हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बड़े उत्साह से हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं भगवद गीता का स्टडी करने के लिए, और हमारे अनगिनत कमियों के कारण आप, कमियों के बावजूद आप आते हो और एंकरेज करते हो डिवोटीज को प्रीचिंग के लिए. थैंक यू. I feel very inspired to come here and spend time with all of you. Hare Krishna. So we'll continue Bhagavad Gita. 18.54, na? You've completed. 55 is done. 55. So what we will do, we'll chant the verses together and one of you will have to read translation. Who will read translation today? Pavanji. Yes. Can read? Okay. Text 55. So now we are entering. ये अभी हम लोग साथ में वर्स पढ़ेंगे, पर आपको एक मेडिटेशन करना है, क्योंकि जो पूरा वर्सेस है अभी, ये आपका लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है अगर आप इसे ध्यान से इसका ट्रांसलेशन सुनेंगे तो. क्योंकि अभी जो वर्सेस आने वाला, अभी गीता का स्लॉग ओवर शुरू हो गया, लास्ट फाइनल. तो मोस्ट इंटेंस क्रिकेट में कब होता है? लास्ट ओवर्स होता है ना, स्लॉग ओवर्स होता है. तो अभी लास्ट का चल रहा है. सो कृष्णा इज गोइंग टू टेल अर्जुना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 18.55 to 77, 6 लास्ट श्लोक्स, लास्ट के जो 20-21 श्लोक हैं गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक. तो अभी भले आपने भगवद गीता ध्यान से सुना नहीं इतने, अभी ये पाँचवीं बार हम गीता कर रहे हैं. 2004 में शुरू किया था, फोर्थ ना फिफ्थ टाइम, हु नोस, अभी कौन भी भूल गया मैं, फोर्थ टाइम आई थिंक, फोर्थ टाइम 2004 में शुरू किया था हमने. तो चार बार हो गया है, अभी ये फोर्थ टाइम कंप्लीट होने वाला है. एंड आपने अभी, लेट अस इमेजिन दैट आपने कभी सुना ही नहीं गीता, कोई बात नहीं, जो लास्ट का जो मैच मिस किया पूरा, ठीक है, स्लॉग ओवर्स देख लिया, पैसा वसूल हो गया, है ना, लास्ट का. सो नाउ यू आर गोइंग टू वॉच एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गीता. So you have to hear very attentively, because here Krishna is going to give, भगवान अभी देने वाले हैं ऐसा सूत्र देने वाले हैं जिससे हम जीवन भर हर समय खुशी अनुभव कर सकते हैं. अभी खुशी का मतलब ये नहीं कि यू विल ऑलवेज फील हैप्पी. खुशी का मतलब है चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यू आर इंटरनली कनेक्टेड, यू आर इंटरनली पीसफुल, बिकॉज dissatisfaction is as important as satisfaction. If you are always satisfied, then you will not do anything. You are satisfied. And if you are dissatisfied, you will be miserable. So our principle is, aapko satisfied bhi hona chahiye aur dissatisfied bhi hona chahiye. Tabhi hum actually productive rahenge. Satisfied rehne ke liye, satisfied rahenge to raat ko achhi neend aayegi. और डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो सुबह बहुत एफिशिएंट और प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव, ये सब आता है, क्रिएटिविटी सब आता है व्हेन यू आर डिससेटिस्फाइड. इसलिए रात को सोने के पहले मैं साधना कार्ड भरता हूँ, पहले सुबह भरता था, रात को सोने के पहले आज इतना अचीव किया, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होकर सो जाने. पर सुबह उठ के सेटिस्फाइड नहीं रहने का, फिर कुछ करेगा ही नहीं, लेजी बन जाएगा. सो वी हैव टू बी सेटिस्फाइड ऑल्सो एंड dissatisfied. So Krishna is teaching us in the last section how to have an internal anchor. एक internal anchor कैसे रखना है जिससे हमेशा कोई भी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहें हमारी जिंदगी में, पर हमारा purpose strong रहेगा और हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं. और उसके लिए भगवद गीता का offer है. अभी बहुत लोग बहुत सारा offer देते हैं. गीता का offer यह है कि आप भगवान का स्मरण करो. Remember God. Very simple. Remember God and feel, जैसे lover says, you know, that if you are with me, tells his beloved, अगर तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी problem चलेगा, ऐसा बोलते हैं ना लोग. तो वैसा ही है, भगवान के साथ वैसा relation चलेगा. If Krishna is with me, so that love has to come for Krishna. That is our ISKCON's offer. तो उसके लिए क्या करना होगा? वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा.
सो टुडे इफ यू रीड जो लास्ट का जो 20 श्लोक है, दिस इज टीचिंग अस दिस गोल्डन मंत्र, द आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग गॉड. इफ यू रिमेंबर गॉड देन नो प्रॉब्लम इन लाइफ. इज दैट ओके? सो वी आर लर्निंग टुडे वॉट द आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग गॉड, बिकॉज इफ यू रिमेंबर गॉड देन वी आर विद कृष्णा, बिकॉज गीता सेज दैट वेन वी आर remembering or chanting the Lord's names, we are with the Lord. Because the Lord is non-different, is not different from His name and His pastimes. So if you are remembering God, you are with God. And if you are with God, then you are with the personification of love. Prem ke murtiman swarup ke saath aap hain, to aapko fir dukh kya, gham kya, kuch nahi hoga. Isiliye, prem ke murtiman roop, sarva akarshak, कृष्णा आकर्षण जो शब्द है वो कृष्णा कम्स फ्रॉम द वर्ड. अभी आप देखोगे ग्रीक में भी कृष्ट है, कृष्ट. संस्कृत में भी कृष्ण मीन्स अट्रैक्शन. सो इफ यू आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा, एंड इन ग्रीक कृष्ट ऑल्सो मीन्स अट्रैक्टिव. सो इफ यू आर अट्रैक्टेड टू द ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा, देन वी कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विद पेशेंस, टॉलरेंस, सब आ जाएगा क्वालिटीज. सो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. सो वी विल चैंट द वर्सेस टुगेदर. भक्त्या मामपि जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ओनली बाय डिवोशनल सर्विस. एंड व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी बाय सच डिवोशन, ही कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड. 56. सर्वकर्मानपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. दो एंगेज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, माय प्योर डिवोटी अंडर माय प्रोटेक्शन रीचेस द इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल अबॉर्ड बाय माय ग्रेस. 57. चेतसा सर्वकर्माणि मय सन्न्यस्या मत्परा योगमुपाश्रित्या मच्चित्ता सततं भवा. इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड अपॉन मी एंड वर्क ऑलवेज अंडर माय प्रोटेक्शन इन सच डिवोशनल सर्विस बाय फुल बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी. 58. मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादातरिष्यसि अत चेत्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनंश्यसि. इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ कंडीशन लाइफ बाय माई ग्रेस. इफ हाउएवर यू डू नॉट वर्क इन सच कॉन्शियसनेस बट एक्ट थ्रू फॉल्स ईगो, नॉट हियरिंग मी, यू विल बी लॉस्ट. या नेक्स्ट 59. यद अहंकारमाश्रित्या नयोत्स्या इति मन्यसे मितेशा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम् नियोक्ष्यति. इफ यू डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डिरेक्शन एंड डू नॉट फाइट, देन यू विल बी फॉल्सली डिरेक्टेड बाय योर नेचर. यू विल हैव टू बी एंगेज इन वॉरफेयर. टेक्स्ट 60. स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेचसि यन्मोहात् करिष्यस अवशोपित. अंडर इल्यूजन यू आर नाउ डिक्लाइनिंग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डिरेक्शन बट कंपेल्ड बाई द वर्क बॉर्न ऑफ योर ओन नेचर यू विल एक्ट ऑल द सेम, ओ सन ऑफ कुंती. 61. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. 62. Tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata tat prasadat param shantim sthanam prapsyasi shashvatam. O sign of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace, you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. 63. Iti te jnanam akhyatam guhyat guhyataram maya
विमृश एतादशेषेना यत इच्छसि तथा कुरु. Thus I have explained to you knowledge still more confidential. Deliberate on this fully and then do what you wish to do. 64. Sarva guhyatamam bhuya shrunu me paramam vacha ishtosi me dridam iti tato vakshami te hitam. Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your own benefit. Now the most important instruction is giving. Next 2-3 verses. 65. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishashi satyam te pratijane priyosime. Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. 66. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami mashuchah. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. 67. Idam te na tapaskaya na bhaktaya kadachana na cha shushushave vakcham na cha mam yo besuyati. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. Text 68. Ya idam paramam guhyam madbhaktesh abhidhyasati bhaktim mai param krutva mame vaishata samshaya. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. This is text 68, right? 69. Nacha tasman manushyeshu kaschin me priyakrittama bhavita nacha me tasmad anya priyataro bhuvi. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. This is 70. Adyeshate chaya imam dharmyam samvadam avayo jnana yajnena tenaham ishtasyamiti me mati. And I declare that he who studies this sacred conversation of ours worship me by his intelligence. Beautiful, no? Verses 71. Ye sabke liye, hum sabke liye. Shraddhavan anasu yascha shrunuyadapi yo narah sopi mukta subha lokan prapnuyat punya karmanam. And one who listens with faith and without envy becomes free from sinful reactions and attains to the auspicious planets where the pious dwell. 72. Kachet eta shrutam partha tvaike gagre na chetasa kachet agyana sammoha pranashtaste dananjaya. O son of Pritha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind, and are your ignorance and illusions now dispelled? Now he is asking. Sab bol diya, ye bhi bola ki jo karna hai karo abhi. Aisa nahi ki main jo bol raha hu waise hi karo. Jo karna hai, tat ichchasi tata karo. Samajh mein aaya? Have you understood? Now see what Arjuna answers. Abhi Arjun ka uttar ab suniye. 73. Arjuna vacha nashta moha smritir labdha tvatprasadanmayachyutam sitosmi gata sandeha karishye vachanam tava. Arjuna said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. Abhi Gita kisne sunaya? Krishna ne Arjun ko sunaya. Par ye gyan Krishna jo Arjun ko sunaya, wo kaun kise suna raha hai? संजय धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र ने पहले प्रश्न पूछा था कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, उसके उत्तर में संजय ने पूरा गीता सुनाया. अभी अर्जुन के ये बोलने के बाद लास्ट के जो पांच श्लोक हैं,
अभी संजय बोल रहे हैं उनका रियलाइजेशन क्या, उन्होंने भी सुना ना गीता, केवल ही वॉज नॉट ओनली रिपोर्टिंग, वो अपना भी मत देने वाले हैं। तो अभी उनका मत सुनिए संजय का, जो लाइव उन्होंने देखा सुना। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय सेड, Thus have I heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna, and so wonderful is that message that my hair is standing on end. Ecstasy aa gaya unko, but he doesn't forget his guru. Krishna ka mila sab theek hai, but guru ki kripa se mila. So next verse 75. Vyasa prasada shrutavan etad guhyam aham param yogam yogeshwarat krishnat sakshat katayata swayam. By the mercy of Vyasa, I have heard this most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. 76. Rajan samsmritya samsmritya samvadam imam adbhutam keshavarjunayo punyam rishyami cha muhur muhur. O King, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. 77. Tachya samsmritya samsmritya rupam adbhutam hare vismayo me mahan rajan rishyami cha puna puna. O King, as I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. And last shloka of the Gita. 78. ये संजय का अल्टीमेट डिक्लेरेशन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। Wherever there is Krishna, the master of all mistakes, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. Tatra, Shri, Vijaya and Niti, all these will be there. Morality, opulence, power, victory. So, Srila Prabhupada has written commentary on this 18 chapters, 700 verses. So, you can read it. And you will see in this 55th verse onwards, only focus is bhakti. This is the end of Bhagavad Gita. Surrender to Krishna, accept Krishna, give up everything and accept Krishna. That doesn't mean externally give up. यहाँ पे बाहरी चीज़ों को छोड़ने की बात नहीं की जा रही है. अगर बाहरी चीज़ों को छोड़ के कृष्ण का आश्रय लेना होता तो अर्जुन फिर युद्ध नहीं करते. अर्जुन युद्ध कर रहे हैं मतलब वो आंतरिक स्थिति की वो बात कर रहे हैं. आंतरिक स्थिति को अपना हमें एडजस्ट करना. एंड भगवदगीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एट दिस स्टेज इज रिमेंबर कृष्णा. The art of remembering God is what we want to discuss today, and we want you to this one. We want you to reflect on this theme, because one of the biggest challenges devotees have, they often ask me this question, is how can we remember Krishna always? This is a very common question devotees ask. How to remember Krishna? Have you had this question? People say we always remember our family, we remember our ऑफिस, ये सब नेचुरली याद आता है. कृष्ण हमको नेचुरली याद नहीं आता, ऐसा होता है ना. भगवान याद नहीं आता. लाइक यू नो यू मे बी वेरी अटैच्ड टू योर हस्बैंड और वाइफ वॉट एवर, एंड ही मे बी अ बिग ही मे हैव अ बिग पॉन्च एंड ही मे बी स्नोरिंग एट नाइट. But you still, you have feelings for him. But if you see full moon, आप चंद्रमा को देखोगे, चंद्रमा में चंद्रमा कितना सुंदर है, उसका ऐसा टोन नहीं है और वो खर्राटे नहीं मारता, पर चंद्रमा से कोई लगाव नहीं रहेगा आपका, पर पति से लगाव रहेगा, क्योंकि मेरा है वो. मेरापन जो है, अपनापन जहां आता है ना, उधर ऑटोमेटिकली अटैचमेंट है. मेरा कुछ है तो फिर वो अटैचमेंट रहता है. तो हमारे लिए कृष्ण क्या है, कृष्ण चंद्रमा जैसे.
बहुत दूर है कृष्ण हमारे लिए. ठीक है आप लेक्चर में बोलो सुंदर सुंदर कृष्ण की सुंदरता अच्छा लगा, पर वो कृष्ण कुछ कनेक्शन क्योंकि मेरा नहीं है वो. सो भक्ति द आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग कृष्णा इज बेसिकली व्हेन वी एंटर द स्टेज वेयर वी कैन एंटर द मूड ऑफ कृष्णा इज माइन. सो बिगिनिंग साधना भक्ति में आई बिलोंग टू कृष्णा वाला मूड, आई बिलोंग टू कृष्णा, आई बिलोंग टू कृष्णा, आई एम कृष्णास. बट जैसे हम एडवांस करते हैं हमें वो स्तर पर आना है कृष्णा इज माइन. जब वो स्तर पे आएंगे तो रिमेम्बरेंस इजी हो जाता. जैसे वृंदावन में आप देखोगे अभी हम जाते हैं नंदगांव में उधर अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे ब्रजवासी हैं प्रसाद खिलाते हैं हमारे गुरु महाराज के साथ उनका अच्छा दोस्ती है. तो एक बार हम गए थे श्रीदामा प्रभु सब थे तो एक मंदिर में उनका भाव देखे तो उन्होंने प्रसाद थोड़ा तीखा बनाया था मिर्ची विर्ची मस्त प्रसाद खा रहे थे. वो भगवान को भोग चढ़ता है ठाकुर जी को फिर बाहर आता है ऑल्टर से फिर डिवोटीज खाते हैं. तो श्रीदामा प्रभु ने बोला उनके काउंसिलर किसी ने पूछा अरे आप इतना तीखा खिलाते हैं ठाकुर जी को. तो तुरंत वो दैट ब्रजवासी ने कहा अरे ठाकुर जी होंगे आपके, हमारे तो लाला हैं वो और हम उनको ऐसे अच्छा लगता है. सो इमीडिएटली बिकॉज ही इज माइन, कृष्णा इज माइन. एंड वंस इन वन प्लेस द प्रसादम वॉज वेरी ब्लैंड. That Krishna's, where that there is a temple of Krishna as a baby. I forget that temple. He is a baby there. So, वहाँ पे जो प्रसादम ऑफर होके आया प्रसादम बहुत ब्लैंड नहीं था बट इट वॉज नॉट हॉट. तो वही अगले दिन जब प्रसाद ले रहे थे उधर तो वो डेवटी ने कहा अरे इधर वो आप तीखा नहीं खिलाते, तीखा नहीं रहता प्रसाद, भगवान को बहुत चढ़ता है. बोला नहीं हमारे लाला तो छोटे बच्चे हैं ना उनको उनको नहीं होगा इतना तीखा खाने. तो ये एग्जाम्पल है ऑफ ममत्व, माइन, कृष्णा इज माइन. तो अभी हम वो स्तर पे नहीं है, ठीक है हम मानते हैं हम वो स्तर पे नहीं है क्योंकि अगर हम वो स्तर पे आर्टिफिशियली रहेंगे कृत्रिम ढंग से तो हम एक सहजीय बन सकते हैं, चीप भक्ति को हम चीपली कर सकते हैं, इसलिए हम उसको इतना वो नहीं करते, चीपली हमें नहीं करना. पर जो मूड है ना कृष्णा इज माइन, जैसे चैंटिंग करते हैं हम क्यों करते हैं, 16 माला खत्म हुआ क्या, हमारा पूरा काउंटर पे ही ध्यान रहता है तो भक्ति में वो टेस्ट नहीं आता. पर अगर हम ये सोचेंगे अभी माल एक दिन आप एक दिन, इसलिए ट्रैवलिंग मुझे क्यों अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग में एक एडवांटेज रहता है कि टाइम का आप यू आर हेल्पलेस, इट थिंग्स टू डू उड़ जाता है. तो यू कैन चैंट, एक दिन आप एक्सपेरिमेंट कीजिए. आई विल चैंट, मतलब गिनना तो पड़ेगा काउंटर, बट आई विल नॉट चैंट बिकॉज आई हैव टू डू सम राउंड्स. दिस राउंड आई एम गोइंग टू चैंट बिकॉज This is for my Krishna. I want to love Krishna. I want to remember Krishna. And this round is for my Krishna. And then see the difference. Pura alag aapka chanting ho jayega. Par malum main badi badi baatein kar raha hu. Mera ustar nahi hai. Par aisa anubhav hota hai sabko. Your quality bada improve ho jata hai. So this is the difference from I belong to Krishna ko thoda usko intensify karna hai. Krishna is mine. Otherwise Krishna will be like what? Chandrama, full moon. Wo bas decoration ke liye udhar, wo usko kuch connection hi nahi hai hamara. Or nice poetic songs on Chandrama. Sab gana movies mein kitna hai. चौदहवीं का चांद और ये क्या क्या सब, पहले हर मूवी में एक गाना चांद्रमा के ऊपर होता बट नोबडी रिमेंबर्स द मून, नोबडी केयर्स. सो अपनापन जो है वो हमें चाहिए भक्ति में, तभी भक्ति में वी कैन रिमेंबर कृष्ण. सो नाउ यू आस्क योरसेल्फ हाउ यू कैन गेट, आप अपने जीवन में कैसे ये एलिमेंट ला सकते हैं, ममत्व कैसे आ सकता है भक्ति में, कि भगवान मेरे हैं कृष्ण मेरे हैं, ये हम कैसे अपने भक्ति में ला सकते हैं, ये हमारा इंडिविजुअल हरेक का अपना अपना जिम्मेदारी है. तो ये मैंने नोट्स बनाए इसके ऊपर, अपने विचारों को मैंने कल आते समय जर्नी में मैंने पूछा कि मेरे थॉट्स क्या, हाउ कैन आई कल्टिवेट अ प्रैक्टिस. मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर आपको जम गया तो ठीक है. हाउ कैन, व्हाट प्रैक्टिसेस आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं मेरे जीवन में जिससे मेरे अंदर एक ममत्व भाव आ सकता है भगवान के लिए.
चैंटिंग में कैसे मैं ये मूड लाऊं कि ये मेरे कृष्ण के लिए एक माला मैं कर रहा हूं। तो मैंने ऐसे नोट्स बनाए, आपको देखिए आपको डब इट मेक सेंस टू यू। आई फील देर आर थ्री स्टेप्स इन आवर भक्ति प्रैक्टिसेस। तो अगर हम तीन स्तर पे उसको लाएंगे और तीन एक्टिविटी करेंगे तो हम भगवान का स्मरण अधिक कर पाएंगे। तो वापस आई एम गोइंग बैक टू द बैकग्राउंड, हम क्यों भगवान के स्मरण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज, बिकॉज दिस इज द सेक्शन दैट टॉक्स अबाउट इट, एंड ऑल्सो बिकॉज इफ यू रिमेंबर कृष्णा वी आर विद कृष्ण, एंड इफ वी आर विद कृष्ण देन वी विल फील लव्ड बाई कृष्ण, एंड इफ यू फील लव्ड बाई कृष्ण देन वी कैन टॉलरेट ऑल द सफरिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट टू कृष्ण। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली इसके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो लोगों को कभी डर लगता है कि हम मायावाद बोल रहे हैं, पर मायावाद इम्पर्सनलिज्म का एक एस्पेक्ट समझना जरूरी है कि देयर आर फर्स्ट स्टेप इज टू मूव फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट। हमारे लाइफ में हमेशा हम टेम्पररी चीज़ों में उलझे रहते हैं, अगर हम टेम्पररी से परमानेंस पे आएंगे ये पहला स्टेप है, फिर फ्रॉम परमानेंस वी गो टू कृष्णा विच हु इज सुप्रीमली परमानेंट, हु इज अ सुप्रीम एटर्निटी, एंड थर्ड इज फ्रॉम कृष्णा वी गो टू कृष्णाज होली नेम्स। दिस इज द थ्री वेज वी कैन रीच अ स्टेज when we can remember Krishna always. Is it clear? What is the first step? From temporariness we move to permanence. Now, आप क्या इस बात को मानते हैं कि इस जगत में सब कुछ temporary है? सब कुछ temporary है, right? पर कुछ चीज़ है जो temporary नहीं है, कुछ permanent. हमारा जो अस्तित्व है, there is something constant, there is something that is not changing, there is something that is eternal which always remains, and do we connect to that? Jaise aap bacche the ek zamane mein, jaise ek maine poem padha recently, ek kavi likhte hain, ek wo zamana tha mujhe yaad nahi hai wo, it was the English mein tha wo, the poem was that there was a time when I as a little child played on the lap of my grandfather, and here I am with my grandchild on my lap. So hamara life aisa change hota hai, par wo grandchild se leke abhi grandfather tak ki journey mein pura change ho gaya body, par wo vyakti nahi badla. John Pfeiffer ne ek book likha hai Human Brain, to usme wo prove karte hain ki har 7 saal mein hamare sharir ke sare chemicals badal jate hain. सारे केमिकल्स बदल गए फिर भी आप वही हैं, आपके वो जो भावनाएं, आपके जो जज्बात, आपके जो कुछ एक्सपीरियंस, इट इज यू। सो कैन वी कनेक्ट टू समथिंग, जैसे हमारे तमाल कृष्ण महाराज बोलते थे, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस देन बिकम कृष्णा कॉन्शियस, वो बोलते थे। पहले आप कॉन्शियस बनो, आप अपने अस्तित्व को समझो कि आप ये टेम्पररी चीज नहीं है, सब कुछ नश्वर है। ये माइक्रोफोन से लेके ये बिल्डिंग, ये बॉटल, एवरीथिंग इन दिस मटेरियल, हिमालयन माउंटेन्स एंड द ओशन, एवरीथिंग इज टेम्पररी, बट देयर इज समथिंग दैट डजंट चेंज, वो एटर्निटी को हमें सीख करना है। अगर हम उसके साथ कनेक्ट हो गए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी कैन एंटर अ स्फीयर ऑफ रिमेंबरिंग कृष्णा। जैसे मुझे याद है मेरा एक दोस्त राजेश, आज पता नहीं इधर है कि नहीं, हम लोग स्कूल में साथ में थे, तो तभी मैं उसको बोलता था स्कूल में, टेंथ में, नाइन्थ में, एट्थ में बोलता था, देख एक लड़का है, क्योंकि आई टू प्ले क्रिकेट एंड आई टू रीड, एंड उस समय क्रिकेट में सबका इंटर स्कूल क्रिकेट होता था, तो उसमें किसी का एवरेज होता था 70, 80, 90 क्रिकेट प्लेयर का, पर ये लड़के का एवरेज था 1028 एवरेज, वो आउट ही नहीं होता था। तो मैंने कहा ये जो लड़का है ना ये वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बनेगा, तो सब क्लास में बोलते थे कौन है वो, मैं बोला सचिन तेंदुलकर लड़का है, शारदा आश्रम विद्या मंदिर के लिए खेलता है, उसको आउट ही नहीं कर सकता कोई। तो वो लोग बोलते अच्छा, देन दे टू थिंक लाइक, एंड आई हैव टू स्पीक अबाउट हिम इन वेरी लॉफ्टी लैंग्वेज, एंड समटाइम्स दे टू थिंक आई एम गेटिंग कैरिड अवे, बट आई टू सी हिम प्ले, आई डिडंट नो हिम पर्सनली, बट आई न्यू अबाउट हिम। तो अभी क्या हुआ, फिर मैंने ऐसा बोला कि अरे बेस्ट बनेगा ये हो गया,
फिर 89 में फिर हम लोग पार्ट हो गए, वी नेवर मेट ईच अदर अगेन. दीपक को मेरा दोस्त मिला नहीं कभी मैं. अभी हाल ही में 30 साल बाद मुझे मिला हो तो, एंड इज टेलिंग मी ऑल दिस 30 इयर्स आई वॉज रिमेंबरिंग यू एंड दिस थिंग वॉट यू टू ऑलवेज से दैट टाइम वी नेवर न्यू हू ही वॉज. एंड आई टोल्ड हिम इन दिस 30 इयर्स दिस मैन हैज ऑलरेडी बिकम द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर एंड ही हैज नॉट फेडेड अवे. वो सूरज डूब गया, अभी विराट कोहली का सूरज उग रहा है. गया वो, सब हो गया, 30 साल में सब कुछ हो गया. दैट मैन केम, ही कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, ही बिकेम द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एंड द सन हैज सेट, ही इज नाउ गोइंग गॉन. सो व्हेन ही वाज टॉकिंग टू मी माय हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन एंड रियलाइजिंग हाउ एवरीथिंग इज टेम्पररी गॉन. सो इन दिस वर्ल्ड ऑल नेम फेम सक्सेस एवरीथिंग इज फ्लीटिंग. सब कुछ नश्वर है, पर इन सारे नश्वर पदार्थों के बीच में कुछ ऐसा है जो शाश्वत है. वो शाश्वत को हमें ढूंढना है, वो अपने अंदर है. वो हम एक्चुअली शाश्वत है अपने अंदर ने. वी आर इटर्नल, वी आर नॉट दिस बॉडी. इसमें तो कोई शक नहीं आपको, ये शरीर तो आप नहीं है. अन्नमय कोश, देखो तैतरीय उपनिषद कितना एक्सपर्ट है, ऐसा आपको बोलता है. ये उपनिषद का बेस्ट पार्ट क्या है, उपनिषद आपको आप जहां पर हैं वहां से आपको लेके जाता है टू अननोन. अच्छा टीचर क्या करता है, अच्छा गुड टीचर जो मालूम है आपको वहां से आपको जो व्हाट यू डोंट नो वहां तक लेके जाता है. तो तैतरीय उपनिषद शुरू करता है, आप कौन है आपको पहले पूछता है सेकेंड चैप्टर में, हु आर यू. तो आप क्या बोलोगे, आपको पूछा किसी ने आप कौन है, अगर आप हरे कृष्ण में नहीं आए और आपको पूछा आप कौन है तो आप बोलोगे मैं, यू विल से योर नेम, या आप मैं हूं ये हूं आई एम दिस. तैतरीय उपनिषद बिगिंस विद यस, आप ये शरीर हैं, वेरी गुड. अन्नमय कोश, दिस इज यू. बॉडी, अन्नम मीन्स बॉडी. एक साइंटिस्ट ने बोला ना, व्हाट वी आर सिंपली रीअरेंज्ड फूड. एक टेबल पे फूड अरेंज किया है, ठीक है, पूरा अच्छे से टेबल पे फूड अरेंज करके रखा है किसी ने, फिर हम उसको अंदर खा लेते, फिर अंदर वो रीअरेंज हो जाता है, एंड दैट इज वी. सोफिया लोरेन, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हॉलीवुड एक्ट्रेसेस एवर, इटालियन बॉर्न. उसको पूछा वाओ आप इतनी सुंदर हैं, आपकी सुंदरता का राज क्या है. मेरी सुंदरता का राज पास्ता, अन्नमय कोश, प्योर प्योर बॉडी. तो ये जो है, तो तैतरीय उपनिषद बोलता है राइट, वी आर बॉडी, अन्नमय कोश, ये आप हैं. पर आप सोचो क्या ये आप हैं, आर यू रियली द बॉडी. आप बोलते हो माई बॉडी, दैट मीन्स यू आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी दृश्याम है, बॉडी को देखते हैं आप, बॉडी दृष्टा नहीं है. आप दृष्टा है जो बॉडी को देख रहे हैं. सो यू आर नॉट द बॉडी. फिर तैतरीय उपनिषद कहता अच्छा फिर आप कौन है, आप ये शरीर नहीं है तो फिर आप कौन है. तो फिर बोलते हैं हाँ तो यू में से, हाँ आई एम नॉट द बॉडी, देन हु कुड आई बी. तैतरीय उपनिषद, ओ यू कुड बी द लाइफ एयर, जो प्राण है आपके अंदर. देयर इज यू नो लाइक अभी ये हाथ, अन्नमय कोश, ठीक है. अभी ये हाथ जो है कैसे उठा, अभी उठा ना, कैसे उठा, देयर इज सम सिस्टम व्हिच इज मेकिंग इट हैपन. उसको प्राणमय कोश बोलते. तो प्राण है अंदर जिससे ऑक्सीजन पूरा जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. तो प्राण आप वो हैं. तो फिर आप तुरंत जैसे पढ़ते हो तैतरीय उपनिषद, आपको हो गया अरे हाँ ये तो सही बोला, आई एम प्राण, राइट. बट द उपनिषद सेज नो, आप प्राण भी नहीं है, क्योंकि प्राण यू कैन, इट कीप्स चेंजिंग एंड यू कैन फील इट, राइट. व्हेन यू आर टायर्ड यू नो यू आर टायर्ड, दैट हु इज दैट पर्सन हु नोज ही इज टायर्ड. अरे आपको मालूम पड़ रहा है आप थके हुए हैं, आपको मालूम है कि आपका प्राण डिस्टर्ब्ड है, मतलब आप कुछ अलग हैं. तो आप प्राण नहीं है. तो ऐसा करके धीरे धीरे बच्चे को जैसे लेके जाते हैं, इसको अरुंधति न्याय कहते हैं वैदिक ग्रंथों में. जैसे आजकल नहीं होता, शुरू के दिनों में जब बहुत साल पहले, सदियों पहले जब लड़कियों का विवाह होता था तो उन लड़कियों को ले जाते थे अरुंधति तारा दिखाने के लिए, तो उनका विवाह दाम्पत्य जीवन अच्छा चले उसके लिए. तो अरुंधति तारा दिखता नहीं था, तो अरुंधति तारा दिखाने के लिए वो पेड़ की शाखाओं को दिखाते थे, ब्रांचेस.
बोलते थे वो शाखा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वो लड़की बोलते थे दिख रहा है, तो वो दो ब्रांच के बीच में आपको बड़ा वो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसके नीचे एक ब्राइट स्टार दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसके लेफ्ट में ये दिख रहा है, हाँ उसके नीचे जो है वो अरुंधति तारा है। तो अरुंधति स्टार डायरेक्टली आकाश में दिखाएंगे तो नहीं दिखेगा, पहले ब्रांच दिखाया, ब्रांच के बीच में वो ये करके फिर दिखाया। तो उसी प्रकार अभी आप कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये समझने के लिए अभी पहले आप शरीर हैं, फूड या मेड ऑफ पास्ता, बी हैप्पी, बट देन यू रियलाइज ये बॉडी तो नश्वर है, बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, मेरे एक्सपीरियंसेस बॉडी से अलग हैं। तो प्राण, प्राणमय कोश, दिस इज मी, बट प्राण इज ऑल्सो दृश्यम, इट इज नॉट दृष्टा, इट इज ऑल्सो विकार, उसमें भी चेंजेस आता है, पर आप अविकारी हैं, आप चेंज नहीं होते, आप कुछ स्पेशल हैं। तो क्या है, फिर उपनिषद कहता है ओ तो आप अन्न में भी नहीं है, प्राण में भी नहीं है, तो आप तो आपका पर्सनैलिटी आप हैं, आपके जो मन में इतने सारे फीलिंग्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, आप मनोमय कोश, मनोमय, मनोमय कोश मतलब मन, फीलिंग्स, लाइक हाथ अन्नमय कोश, हाथ उठा बिकॉज ऑफ द प्राणमय कोश। नाउ समथिंग इनसाइड मी टोल्ड मी नो टू लिफ्ट द हैंड, दैट इज मनोमय कोश, फीलिंग, थॉट, डिजायर। तो लोग बोलते हैं हाँ ये मनोमय कोश मैं, राइट, पर्सनैलिटी मैं हूं, दिस इज मी, माई फीलिंग्स, माई थॉट्स, पूरे दुनिया में ये तो इसी के ऊपर एम्फोसिस होता है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देखा है आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, हाउ टू हैव नाइस थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। हमको लगता है कि हु आर वी, वी आर व्हाट वी थिंक, वी आर व्हाट वी फील, ये हमारा पर्सनैलिटी। तो तैतृय उपनिषद कहता है यस यू आर मनोमय कोश, फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हो उधर। फिर उपनिषद कहता है नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, हैंग ऑन, नॉट सो सून, वेट वेट, आर यू रियली योर फीलिंग्स, when you say I feel happy, that means who is that I who is feeling happy, मतलब आपके feelings से भी अलग आप हैं, जो आपके अभी एक दिन में कुछ तो कितना, एक घंटे में कुछ तो 17,000 thoughts आते हैं, कुछ तो किसी ने बखा, तो आप वो सब आप हैं क्या, आपको वो आते हैं, मतलब आप अलग हैं। imagine if you had all these thoughts was you, you will be bipolar, इतने सारे थॉट्स आप हैं, नहीं आपके अंदर वो आते हैं, मतलब आप कुछ अलग हैं। हु इज दैट पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग दिस थॉट्स, तो फिर वो भी डिफीट हो जाता है, मनोमय कोश भी नहीं आप। फिर आप कहते हो फिर मैं कौन हूं, फिर उपनिषद पूछता है शायद आप विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश इज सेम लाइक मनोमय कोश बट लिटिल टेक्निकली डिफरेंट, इट इज इंटेलिजेंस। वेन यू से when you start reasoning, thinking, you know, like hand, annamaya kosh, because of prana it lifts, somebody told me lift the hand, something told me, that is manomaya kosh, and when I have this feeling I lifted the hand, the sense of identity, I lifted, and that is vijnanamaya kosh, I have sharp intelligence, I understand everything in my life, but that is at the level of the intelligence, and intelligence vijnana keeps changing. ab bachpan mein mujhe malum nahi tha trigonometry kya hai, baad mein mujhe samajh mein aaya tan theta is equal to sin theta by cos theta, abhi bhul gaya wapas, but I am the same, there is something within which is not responsible, not affected by your understanding, your knowledge, your sense of identity, जो हमारा अभी का जो level का sense of identity है विज्ञान के स्तर पर, उससे भी परे कुछ है, तो वो भी आप नहीं। तो आप कहोगे फिर मैं कौन हूं, who am I, फिर उपनिषद कहता है शायद अब आनंदमय कोश है, आनंद मतलब डी, आपको यू नो डीप स्लीप पता है, डीप स्लीप, व्हेन यू डोंट गेट एनी ड्रीम्स, नथिंग, व्हेन यू से ना, व्हेन यू गेट अप, व्हेन यू स्लीप, डीप स्लीप, एंड यू गेट अप एंड यू फील वाओ आई हैड डीप स्लीप, साउंड स्लीप, वो खराटे मार रहा था बस, साउंड कर रहा था इसलिए साउंड स्लीप बोलते,
स्नोरिंग सो डीप स्लीप. तो वो जो डीप स्लीप का जो स्टेट है व्हेन यू आर नॉट एट ऑल दैट टाइम योर विज्ञान इज नॉट वर्किंग. आप मनोमय कुछ भी नहीं, मतलब यू आर सेंस ऑफ आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है बेसिकली आपका, थिंकिंग फीलिंग्स भी नहीं है. दैट इज लाइक कॉल्ड एज आनंदमय कोश. बट इवन देयर उपनिषद सेज व्हेन यू गेट अप यू आस्क नो यू से नो आई फेल्ट आई स्लेप्ट सो नाइसली. दैट मीन्स देयर इज समबडी हू एक्सपीरियंस दैट आनंद. इट इज नॉट यू, आप नहीं है वो, क्योंकि आपको वो अनुभव हुआ आनंद. क्योंकि अगर आपको वो सी इफ यू आर आनंदमय कोश देन यू वुड हैव नॉट सेड दैट आई हैड अ डीप स्लीप लास्ट नाइट. यू वुड हैव सेड मैं सोया फिर मैं उठ गया. बट आप बोल रहे हो कि मुझे बहुत गहरी नींद आई. तो हु इज दैट पर्सन हु एक्सपीरियंस दैट. तो ऐसा कर करके अच्छा आप आनंदमय कोश भी नहीं है, ये पांचों नहीं है, फिर मैं कौन हूं? अभी आप पूरा एक्साइट हो गए. फिर उपनिषद कीप्स क्वाइट हो गया, उतना आपको छेड़ के छोड़ दिया. सो देन यू आर एजिटेटेड. अरे यू आर अंडरस्टूड. एक तो रियलाइज हो गया मैं टेम्पररी नहीं हूं, बट हु एम आई? तो हमारा क्या है, हुआ मैं जब पूछा जाता है सोल, हमको सोल मतलब हमारे अलग ही हमको लगता है, कुछ अलग है जिसको पकड़ना है. सोल इज नॉट एक्सटर्नल ऑफ यू, सोल इज यू, आप है वो. नहीं नहीं, जैसे अभी ये बॉटल मेरा है, हमको लगता है कि मेरा सोल कहाँ है. अरे आपका सोल नहीं हो सकता, आप ही है वो सोल. इट इज नॉट एक्सटर्नल ऑफ मी. तो उसमें स्टोरी आता है उपनिषद में, बहुत ही क्रिप्टिक रहता है. तो 10 लोग गए नदी पार करना था उनको, बोले हम 10 लोग हैं नदी पार करेंगे. तो नदी पार किया. नदी पार करने के बाद बोले अरे अभी कितने गिनते हैं हम लोग? तो उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अरे हम लोग जब निकले थे तो 10 थे, अभी 9 ही हैं, मतलब एक डूब गया करके रोने लगा. फिर दूसरे ने कहा अरे ऐसा नहीं, ऐसा मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अरे 9 है, हम निकले तो 10 थे, मतलब एक डूब गया. ऐसा करके सबने गिना, सबका कितना गिनती हुआ? 9. तो सब फिर रोने लगे, अरे एक आदमी डूब गया हमारा, एक आदमी डूब गया. तो तब उस समय गुरुजी वहां पर आए. ए सिंपलिस्टिक स्टोरी बट इट इज मेकिंग एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो उन्होंने सबका प्रॉब्लम सुना, अरे आप 10 लोग थे एक डूब गया. तो उन्होंने कहा मैं आपको हेल्प करता हूँ, वापस करो गिनती. तो उसने वापस गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो गुरु ने उसका फिंगर पकड़ा और 10. अरे हाँ 10. फिर दूसरे ने कहा मैं ट्राई करता हूँ, उसको भी कर 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 10. ऐसे करके सबने गिना, फिर सबको सांत्वना हो गया कि हम लोग 10 लोग. तो ये स्टोरी आता है बताने के लिए कि अच्छा अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, देन हु एम आई? दैट इज यू. यू आर परमानेंट, यू आर ये शरीर मन से सब परे हैं आप. और गीता में गीतोपनिषद जो है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्ध गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम. गीता जो है एसेंस ऑफ उपनिषद है. और गीता में भगवान बताते हैं वो मैं कौन हूं. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन सष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति. वो जो मैं, जो अंश, जो सोल है, वो मेरा अंश है. ममैव अंश जीव, और वो भी सनातन है, इज एटर्नल. वो इस जगत नश्वर जगत का है ही नहीं. पर मन सष्टानी इंद्रियानी, ये सब की वजह से वो संघर्ष कर रहा है. प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति मतलब स्ट्रगल. तो अभी हमारा पहला चैलेंज है टू कनेक्ट टू दैट एटर्नल रियलिटी विच इज वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा, प्योर स्पिरिट सोल. हम अन्न नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विज्ञान नहीं, आनंद नहीं, हम सबसे परे हैं. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, सोल कहाँ है, सोल कहाँ है, वी वॉन्ट टू नो. बट वेन वी आस्क दैट क्वेश्चन एंड वी सर्च, वी आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक. वी आर सीकिंग दैट आउटसाइड ऑफ अस. इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज यू. वी वॉन्ट टू गेट नॉलेज ऑफ सोल, बट यू आर द नोअर. द सोल इज द नोअर, द आई.
तो अभी आप कहोगे प्रभु जी बहुत टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड आप बोल रहे हो, पर गीता में बताया है कि वी आर रियलिटी, वी आर एटर्नल। तो गीता में भगवान क्या करते हैं, जो पहला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्टेड टू टेक टूडे अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर मूविंग फ्रॉम टेम्पररीनेस टू परमानेंस। एवरीथिंग इज टेम्पररी। इसलिए गीता में आठवें अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट, एट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, अटेनिंग द सुप्रीम। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बोलते हैं कृष्ण पता है, आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा जी का लोक से लेके पृथ्वी लोक तक सब कुछ नश्वर है, बट माम उपेत्य तु, बट तुम मेरे साथ कनेक्ट जाओगे, पुनर्जन्म न विद्यते, देयर इज नो डिस्ट्रक्शन, देयर इज नो एंड। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सबको एक कांस्टेंट चीज चाहिए, आप इस बात को स्वीकार करो, आप सबको परमानेंस कुछ तो चाहिए, आप हर एक व्यक्ति परमानेंट कुछ ढूंढ रहा है, शेल्टर, पर वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए अब क्या करते हैं, हम टेम्परेरी चीजों में उलझे रहते हैं। जैसे सी जो लोग अभी एडिक्शंस रहता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ड्रग एडिक्शन, इलिसिट रिलेशंस, ये सब क्यों करते हैं लोग, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एटर्नल, परमानेंट, वो नहीं मिल रहा है तो टेम्पररी, दिस इज कॉल्ड एज कंपल्सिव लिविंग। कंपल्सिव लिविंग मतलब कंपल्सिव, अब ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, आई वॉन्ट प्लेजर 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 प्लेजर। कंपल्सिव लिविंग का उल्टा है कॉन्शियस लिविंग। सो भगवद गीता आपको इन्वाइट कर रहा है कॉन्शियस लिविंग। सो वेन यू हैव कॉन्शियस लिविंग ना, then you will be connected to soul, then you will be connected to your real I, और वो स्फीयर में भगवान हमको इन्वाइट कर रहे हैं, अरे आओ आओ, कहाँ तुम सड़ रहे हो अपने मन के स्तर पर, कहाँ तुम अपने सब इंटेलेक्ट, इंट्यूशन, एनालिसिस और अपने सिंपल सिंपल प्लेजर के लिए मर रहे हो, उसमें आनंद ढूंढ रहे हो टेम्परेरी चीजों में, ये सबसे परे हो तुम। इन द एट चैप्टर, सेम चैप्टर कृष्णा सेज, परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये सब चीजों से परे एक जगह है, एक एक एग्जिस्टेंस है, परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, विच इज बियॉन्ड मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। और वो स्थान क्या है, वो एग्जिस्टेंस, वो डायमेंशन क्या है, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सब कुछ नाश हो जाएगा, न विनश्यति, पर यह ऐसा है जो इसका विनाश नहीं होता। सो भगवद गीता एंड उपनिषद्स एनकरेज अस टू कम टू दैट, कनेक्ट टू योर रियल सेल्फ। जैसे आकाश है, अभी आकाश को देखिए, एक उदाहरण के लिए, आकाश परमानेंट, अभी अभी हमारे लेवल से आकाश परमानेंट है, आकाश के नीचे क्या होता है, अभी क्या हो रहा है आकाश के नीचे, बारिश, साइक्लोन, कैटरीना साइक्लोन, वायु, थंडरस्टॉर्म, क्या क्या आता है, स्नोफॉल, विंटर, पर आकाश उसके ऊपर है, आकाश के नीचे बहुत कुछ होगा बट स्काई इज नॉट अफेक्टेड। तो नाइन्थ चैप्टर में भगवान ये उदाहरण देते हैं, अवर द ऑब्जर्विंग सेल्फ, द रियल आई, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस, घटनाएं, सब स्काई के नीचे, बट वी आर नॉट दैट, वी आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। तो ये जो हमारा पहला मुद्दा है, अगर आपको भगवान का स्मरण चिंतन बढ़ाना है, कृत्रिम ढंग से नहीं, स्वाभाविक रूप से बढ़ाना है, तो हमें एक चैलेंज के रूप में हमें टेम्पररी चीजों से परमानेंट के स्तर पर आना ही होगा, अपने अंदर अपने आप में वो खोजना होगा, मैं को खोजना होगा। This is very very important. Then we can naturally be connected. तो आप कहोगे ये कैसे possible है? आप अपने आप में देखो ना, आपके life में देखो, temporary चीज और permanent चीज देखो. Like when you see the sky, you see जो meditate करने जाते हैं वो सब, you see they generally meditate. अभी महाराज गंगा के तट पे meditate कर रहे थे बहुत साल तक, बहुत समय तक. कुछ लोग mountains में जाते हैं, क्यों? Mountains give you a feeling of insignificance and connection to eternity. समुद्र के तट पर, समुद्र, विशाल सागर को देखते आपको लगता है कि ये कोई तो विशाल व्यक्ति है। जैसे बरगद का पेड़ है, वो 400 साल पुराना पेड़ है हमारे मंदिर के पास, उसके नीचे मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है वाह, ये व्यक्ति कब से बैठे है। आप सोचिए आपके घर पे कोई दादाजी हैं, पूरा यू नो एकदम एल्डरली पर्सन है, द चिल्ड्रन फील वेरी शेल्टर,
Because they feel subconsciously, they don't know that. Here is somebody who's seen it all, who can give me shelter. It's permanent. In my small world of fear and insecurity and needs and wants and desires, here is somebody who is there for me. That's what many spiritualists feel when they come in front of nature, when they come in front of sky, ocean, mountain. So like a child wants the mother, we want that shelter, we want permanence in this world. तो हमें इन्विटेशन है भगवान का कि कनेक्ट टू योर पर्सनल परमानेंट सेल्फ द रियल सेल्फ अदरवाइज वी आर बिजी विद आवर ओन ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग आवर डेली वरीज सो नाउ हाउ डू वी डू दैट दैट इज द सेकेंड स्टेप इफ यू रियली वॉन्ट टू कनेक्ट टू द परमानेंस लाइक इम्प्रूव योर अवेयरनेस And we improve, we have different methods to improve awareness. जैसे हमारे कुछ लोग योगा करते हैं ब्रीदिंग करते हैं चैंटिंग भी कैसे करना है we will come to that later. But basically, not living, एक संकुचित विचारधारा से नहीं रहना ये पहला requirement. अगर आप छोटे छोटे चार अने चिंदी विषयों के लिए झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मतलब आप you are, and that's why it is very ironical that sometimes we are claiming to be very spiritual. But we land up fighting on such petty issues. मतलब spiritual societies में चार आने के problem के लिए झगड़ा होता मतलब सबसे बड़ा process भगवान की बात करते हैं हरि नाम की बात करते हैं पर एक छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ा करते हैं मतलब हमारा अभी अन्नमय प्राणमय मनोमय उसी में हम फंसे हुए तो we have to seek permanence beyond temporary. जैसे हमारे साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय में मेलकोटे में वो हाथी का procession निकलता है उनका तिलक वो क्या है दो संप्रदाय है ना श्री वैष्णव में आई फॉरगेट आयंगर्स कोई है तो बताएगा पक्का मैं भूल गया टेक्निकल टंग ट्विस्टिंग नेम है तो उनका सालों से करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उनका जो हाथी का प्रोसेशन निकलता है तो एक जो ग्रुप का वो लोग बोलते हैं कि हाथी का जो तिलक है वो वी शेप होता है ना हमारे जैसी वैष्णव ऊर्ध्वपुंद्र तो वो थोड़ा वी होना चाहिए बोलते नहीं वो पूरा यू होना चाहिए उसके ऊपर उनका इतना बड़ा झगड़ा हाथी का तिलक अपना भी नहीं जो हाथ वो हाथी जो भगवान का जो डीटी लेके जाता है भगवान की डीटी को अपने बैक पे लेके उसका उत्सव मूर्ति का परिक्रमा होता है ना तो वो हाथी को कौन सा तिलक लगाने का बोलते नहीं नहीं वी लगाओ बोलते नहीं यू लगाओ ये राइट है वो रॉन्ग है उसके ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है सुप्रीम कोर्ट और लॉयर बोल रहे नहीं आप सही है नहीं वेरी गुड कोई लॉयर का अच्छा और क्रिश्चियनिटी में भी है क्रिश्चियनिटी में अभी क्रूसेड्स मालूम है क्रूसेड्स करके एक ईरा में मतलब मारो काटो सब जूज और मुस्लिम्स वो लोग मारते थे भर भर के तो रिलीजियस वॉर्स क्रूसेड्स तो ड्यूरिंग दोस क्रूसेड्स एक बार उनका क्रिश्चियंस में आपस में मारामारी और किलिंग हो गया हजारों की संख्या में लोग मरने लगे आपस में झगड़ा काटने लगे क्यों सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे कयामत के दिन डे ऑफ जजमेंट तो स्वर्ग में जाएंगे तो वहां के स्वर्ग के निवासियों के 10 उंगली है कि 11 उंगली है उसके ऊपर तो आपको सुन के हंसी आती है अरे कैसे मूर्ख लोग हैं पर ये होता है जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कृष्ण गॉड लव ऑफ कृष्ण और कृष्णा इज माइन ममत्व भाव बोलना बहुत आसान है पर हमारा प्रॉब्लम जो है अन्नमय प्राणमय और मनोमय कोश में तो बिकॉज वी आर रूटेड इन टेम्पररीनेस हमको उपनिषद उड़ा देते हैं हमारे पास हाइएस्ट है हाइएस्ट उपनिषद पढ़ना पड़ेगा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा गीता पढ़ना पड़ेगा नॉलेज इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम नॉट दिस माइंड एंड फीलिंग्स आई एम परमानेंट ये सब चिंदी मेरे लिए नहीं है प्रॉब्लम आई एम बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस आई एम बिलोंगिंग टू कृष्णा वो नेक्स्ट स्टेप है बट आई एम सोल आई एम प्योर आई एम डिवाइन जब तक हम अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे अपने आप को पहचानेंगे नहीं कि मैं एक्चुअली प्योर सोल हूं देन वील कीप फाइटिंग वील ऑलवेज बी इनसेक्योर तो भक्तों को मैं देखता हूं दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दे डोंट वॉन्ट टू लव देमसेल्व्स दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स दे आर सो मच इन डिनाइल एंड इन पेन एंड दे इंक्रीज दैट पेन बिकॉज दे आर डीप रूटेड इन दिस अंडरस्टैंडिंग
that I just want Krishna. But you don't get Krishna if you are not true to yourself. Authenticity is spirituality. So this is first step, from temporariness to permanence, from matter to spirit. Second step is from permanence to Krishna, from spirit to supreme spirit. Aur ye Gita mein Bhagwan ne diya hai ki hum sab ke upar, hum sab se pare, hamare jaise hi Sachidananda, eternal, full of knowledge and full of bliss, kaun hai? फोर्थ चैप्टर में बताया है, बहुत सुंदर श्लोक है गीता का, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना. मेरा जन्म कर्म सब ट्रांसेंडेंटल, इट्स नॉट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिव्यम. और जो इसे समझेगा और जो इससे कनेक्ट करेगा, दैट पर्सन विल अटेन मी. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति. सो इफ यू आर कनेक्टिंग टू अवर सेल्स, देन कृष्णा इन्वाइटिंग अस, एक और कदम आ जाओ, आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ. कौन किसके पास बुला रहे हैं भगवान? अपने पास. और वहां पे हम जाएंगे, कृष्ण से कनेक्ट होंगे, तो व्हाट स्फीयर वी विल एंटर? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. वो ऐसा जगह है जहाँ पर आपको इस भौतिक जगत के सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है. न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक, कुछ नहीं. और वहाँ पे जो जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, इट डजंट कम बैक टू दिस डायमेंशन ऑफ रियलिटी. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, सुना, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले. वो है जगह, पर इधर नहीं है वो इधर नहीं है वो. फोर्थ चैप्टर में भगवान बोल रहे, 15 चैप्टर में गीता में बोल रहे हमें. वो प्रॉब्लम क्या, हमें वो इधर चाहिए. प्रभुपाद टू डिस्ट्रीब्यूट हिज बुक्स, उन्होंने एक बुक लिखा था, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स के ऊपर एक बुक लिखा था. तो अलाहाबाद में, प्रयाग में वो बांट रहे थे, तो एक आदमी को दिया, ये बुक पढ़ के आप अलग अलग लोकों में जा सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के पास नित्य शाश्वत जीवन. तो आदमी ने पढ़ा, अच्छा है मैं लेता हूँ, पर ये बाद में मैं प्रयाग आ सकता हूँ ना वापस मेरे गांव में? बोला नहीं, वहाँ वापस नहीं आ सकते, फिर नहीं चाहिए. तो अभी अगर ऐसा थिंकिंग है तो कुछ नहीं कर सकते. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो है, कृष्णा इज इन्वाइटिंग अस टू दिस वर्ल्ड. But before, see, this is the, that is what I said, before the second step, the first step is also important. We have to connect, we have to go beyond all temporary things, fights, quarrels, hypocrisy, and understand that I am pure spirit soul. And from there we connect to Krishna. And then understand how beautiful everything is coming from Krishna. 10th chapter mein, jo chaturshloki Gita hai, usme Bhagwan bolte hain, Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता. सब कुछ मुझसे आता है अर्जुन, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व, एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन फ्रॉम मी. और जो इसे समझता है, इति मत्वा भजन्ते माम, मेरे पास आ जाओ, बुधा भाव, अपने पूरे बुद्धि को मुझ पे इन्वेस्ट करो एंड कनेक्ट टू मी. एंड देन यू विल रियलाइज, व्हेन वी कनेक्ट टू कृष्णा, दैट वो जो प्रेम जो हम ढूंढ रहे हैं, जो सच्चिदानंद एटर्नल जो हम ढूंढ रहे हैं, हमेशा खुशी चाहिए जो ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है और वो कृष्ण भी है. इट इज सेम, वी आर सेम एज कृष्ण इन क्वालिटी, क्योंकि हम भी सच्चिदानंद हैं, शाश्वत हैं, और कृष्ण भी वही हैं. एंड इट्स अ यूनियन, इट्स लाइक अ मर्जिंग ऑफ द सोल एंड द सुपर सोल कृष्ण. बट क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट. कृष्ण इज सुप्रीम स्पिरिट, हम अणु हैं, कृष्ण विभू हैं. बट दैट कनेक्शन ऑफ एटर्निटी, सच्चिदानंद एटर्नल ब्लिस विद कृष्ण, ओपन्स एन एक्सप्लोजन ऑफ स्पिरिचुअल इमोशंस. और वो कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम. ईश्वर परम, परमेश्वर कृष्ण, तो उनके साथ. और वो जो सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, जो हमारा प्रेम का संबंध है, ये भगवद्गीता हमें उसका एक सैंपल देता है. और भागवतम में जो हम नेक्स्ट
क्लास से पढ़ेंगे, भागवतम में उसको पूरा एक्सप्लोर होता है. द लविंग रिलेशनशिप ऑफ द सोल विथ कृष्णा इज फुल्ली एक्सप्लोर्ड इन भागवतम. और उसका एक तो क्या बोलते हैं, टीजर गीता है, ट्रेलर. सो देयरफॉर वी हैव टू कनेक्ट टू दिस वंडरफुल कृष्णा हु इज मोस्ट ब्यूटिफुल. इन रिलेशनशिप विथ कृष्णा वी फील दैट पीस, वी फील दैट वननेस, बिकॉज ही एंड वी आर नॉट डिफरेंट. That same spirit soul is pure, but the difference is our relationship is that of loving. We are small, we are devotees of Krishna, we only want to serve Krishna, we don't want to become Krishna. ये हमारा और impersonal school में ये हमारा सबसे बड़ा अंतर है. वो लोग इधर अटक जाते हैं, अरे हम भी कृष्ण हैं, हम भी भगवान. वो ऐसे ही बोलते हैं, नमो नारायण, आप भी नारायण, हम आत्मा ही तो परमात्मा है, वो ऐसा बोल देते हैं. पर devotees गुस्सा हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम हमेशा दास रहेंगे, हम भगवान के दास. उसमें जो आनंद है, उसमें जो दैट रियलिटी इज द मोस्ट फुलफिलिंग रियलिटी. एंड इन भक्ति प्रैक्टिस में वी कैन गो डीपर इन टू दैट रिलेशनशिप ऑफ पीस एंड वननेस विद कृष्ण. तो ये दूसरा स्टेप, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? वॉट इज द फर्स्ट स्टेप टू रिमेंबर? हमारा टारगेट क्या है आज? वॉट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? हाउ टू रिमेंबर कृष्णा ऑलवेज. वाई वी वॉन्ट टू रिमेंबर कृष्णा ऑलवेज? Because that way we will feel loved by Krishna, and when we are loved by Krishna, then we don't want anything, no problem in life. Jo pyar mein rehta hai usko koi problem hi nahi rehta life. So similarly, we want to feel loved by Krishna. To feel loved by Krishna, we want to remember Krishna. To remember Krishna, we have to do the first step, move from temporariness to permanence, and second, from permanence to Krishna. First from matter to spirit, then from spirit to supreme spirit. Aur ye Krishna kaun hai? अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. अद्वैतम् ईज नॉट टू, ईज वन, एटर्नल रियालिटी. अच्युतम् इन्फैलिबल. अनादिम् ईज द ओल्डेस्ट. अनंतरूपम् ईज मेनी फॉर्म्स. नेक्स्ट लाइन क्या है? आद्यम पुराण पुरुषम इज द ओल्डेस्ट पर्सन. सबसे पुराने पुरुष हैं. आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च इज द मोस्ट यंगेस्ट एंड फ्रेश ऑल्सो. अरे ये क्या पैराडॉक्स, ओल्डेस्ट पर्सन एंड यंगेस्ट. वाव, ये कहां, ये कैसे समझने का? तो नेक्स्ट लाइन, वेदेषु दुर्लभम. वेदों से आपको एनालिसिस करके हेड से नहीं समझेगा. अदुर्लभम बट वेरी इजी फॉर आत्म भक्तो. जो प्यार से भक्ति करोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा. ये हेड हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? अभी इतना उपनिषद सीखा हमने, पहला जो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, आई, उसके लिए हेड लगता है, हेड हेड हेड. पर एक स्तर के आने के बाद हेड को निकाल के हार्ट को अवेकन करना हो. हमारा प्रॉब्लम क्या, हम लोग अटके रहते. कुछ लोग हेड पे अटके रहते, कुछ लोग हैंड पे. देर हैज टू बी बैलेंस ऑफ थ्री, हेड, हार्ट एंड हैंड्स. हैंड्स इज कर्म योग, एक्शन. बट ज्ञान योगा भी इंपॉर्टेंट है, हेड भी. बट देर हैज टू बी लव. तो भक्ति योगा में हार्ट को हम डेवलप करते हैं. तो देयरफॉर फॉर अवर हार्ट कनेक्शन वी आर टेलिंग, प्लीज कम टू कृष्णा, प्लीज चैंट कृष्णास names, please love Krishna. Ajopi san avyayatma bhutanam ishwaropi san prakritim swam adishthaya sambhavami atmamayaya. Gita mein Bhagavan bolte hain, Arjun don't worry, you want to have loving relationship with me, aapko mere sath pyar bhara sambandh chahiye. I am unborn, main janm nahi leta hu. Ajopi san avyayatma, main kabhi janm nahi leta hu. Ishwaropi san, sabka ishwar hu. Phir bhi प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, फिर भी मैं इस जगत में आता हूं. कैसे आता हूं? संभवामी आत्म मायाया, मैं अपने ओरिजिनल रूप में आता हूं. सो आपको मेरे पास, यू वॉन्ट टू रिमेंबर मी राइट? आपको मुझे रिमेंबर करना है, याद करना है. तो मैं वैसे आ गया हूं, एज इट इज, एज इज, एज आई एम, आई हैव कम. मैं आपके लिए आया हूं. तो कृष्ण हमको बता रहे हैं, आई हैव कम, और मैं लीलाएं कर रहा हूं, ये सब एक्टिविटीज कर रहा हूं, फॉर दैट यू गेट अट्रैक्टेड टू मी. सो Krishna has come very kindly to attract our heart.
So basically we have to do three things to remember Krishna always. First is connect with permanence. Soul level pe jana hai na, to sabse simple technique, be present. Start being more mindful in your activities. Khana, peena, utna, sambandho mein, chanting mein, har cheez mein, if you are more present, when we are entering the mindfulness, present space, we enter the space of permanence. Phir uske upar, second step, to connect from spirit to supreme spirit, we have to hear. Matlab present to rahe hi hum log, present ke saath, we have to be present in Krishna activities. So there is a double explosion of ecstasy. And third, which is the most important, from Krishna to Krishna's holy name. From spirit, from matter to spirit, from spirit to supreme spirit, from supreme spirit to the supreme gift of holy name. Kyunki Bhagavan Krishna, Kali Yuga mein, abhi Gita mein unhone kya kaha? Main khud aata hun. Prakritim swam adhishthaya sambhavami atma, main aa gaya hun. Par aap kahoge Kali Yuga mein kaise aate hun? To Chaitanya Charitamrita mein bahut sundar shlok hai. Kya aap mere piche dohra sakte hain? Kali kale naam roope Krishna avatar. Naam hoite hoye sarva jagat nistar. Jagat nistar. Kali kale, kali kal mein naam roop Krishna avatar. Vahi Krishna Kali Yug mein Shri Hari naam ke roop mein aa jate hain. जो अर्जुन को उन्होंने लीलाएं की, वृंदावन में जो लीलाएं की, वो सब कुछ भगवान अपने नाम में रखते हैं. और वो नाम कैसा है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार. नाम होइते, इस नाम में क्या है? नाम होइते होए सर्व जगत निस्तार. इस जगत के सारे लोगों का उद्धार करने की शक्ति इस हरि नाम में. तो जो हमें कृष्ण के संग से जो लाभ मिलेगा, जो कृष्ण के संग में जो आनंद आएगा, जो मजा आएगा, जो प्यार आएगा, वो हमें हरि नाम से मिलेगा. ये जो ट्रिपल डेकर आइसक्रीम होता है, कभी कभी वो तीन तीन लेयर होता है, सबको समझ रहा है. सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस फर्स्ट बाय बीइंग प्रेजेंट, बाय ऑब्जर्विंग लाइफ, बाय बीइंग साइलेंट, बाय बीइंग मोर माइंडफुल. We enter that space of gratitude, observation. उससे हम एक matter से spirit level पे आ सकते हैं. फिर Krishna factor को connect करने के लिए what we do is we hear about the Lord. After hearing about the Lord, when we enter the world of holy name and we vibrate that holy name and we chant that holy name, then we experience Krishna in our life and it becomes most easy to remember. और ये हरि नाम किसने दिया पता है? किसने दिया ये भगवान का हरि नाम कलयुग के लिए? भगवान ने खुद दिया आके. मालूम था उनको हम नालायक है, हमको बोलेंगे तो हम करेंगे नहीं, तो खुद आके उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया. त्यक्त्वा सुदुष्टजं सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगाम दैत एप सितमन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम. ये भागवतम का श्लोक है. डबल मीनिंग, डबल मीनिंग श्लोक है. अगर आप इसको एक तरह से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा भगवान राम के बारे में वर्णन किया जा रहा है. त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेप सितराज लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी को छोड़ दिया, अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ दिया, त्यक्त्वा सब छोड़ दिया. धर्मिष्ठ आर्य वचसा, एक आर्य के वचनों के कारण. यदगाद अरण्यम, वन में चले गए. क्यों? माया मृगाम दैत एप्सितमन वधावद, एक माया मृग के पीछे भागे. वंदे महापुरुष ते चरणारविंद, इस महापुरुष के चरण वंदन मैं करता हूं. तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान राम के बारे में. पर जो प्रेडिक्शंस आता है कलयुग का, प्रेडिक्शंस के उस रूप में देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ दिया, विष्णु प्रिया को छोड़ दिया और उन्होंने सन्यास लिया. वन में जाना मतलब सन्यास लेना. और क्यों? धर्मिष्ठ आर्य वचसा था, वो ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया था कि तुम कभी किसी घर में, घर का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा. उस ब्राह्मण के शब्द को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने लिया. और कहाँ भागे वो?
माया मृगाम, जो माया में पड़े हुए मृग जीव हैं उनको पकड़ने के लिए वो भागे। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम दिया। युग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, युग धर्म में मैं क्रांति लाऊंगा, युग धर्म को एस्टैब्लिश करूंगा, युग धर्म का मैं प्रसारण करूंगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। मैं करूंगा वो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यू कैन रिपीट आफ्टर मी, युग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, ताइमु नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन के द्वारा मैं युग धर्म का प्रसारण सब जगह करूंगा, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के। और उसके जैसे क्या होगा लोगों में, युग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन चारी भावे भक्ति दिया नचामु भुवन, चारी भावे भक्ति दिया नचामु भुवन, चार भावों में मैं भक्ति दूंगा, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये इमोशनल चर्निंग कराऊंगा, चारी भावे भक्ति दूंगा ये चार भावों में, और नचा सबको नचाऊंगा, सबको मैं मत कर दूंगा प्रेम में। तो ये कृष्ण स्वयं आए ये देने के लिए। तो हे हमारा, ये जो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, एक तो है कि कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने हमारे हृदय को आकर्षित किया, पर कलयुग में भगवान का स्मरण चिंतन, भगवान के साथ प्यार बढ़ाने के लिए उन्होंने अत्यंत कृपा, एक कृपा का रूप लिया है हरिनाम। और अगर हम हरिनाम इस मूड में करेंगे, दिस इज नॉट टू फिनिश माई राउंड, दिस इज फॉर माई कृष्णा, इन दैट मूड इफ वी चैंट देन द होली नेम विल गिव अस लव ऑफ कृष्णा, दिस इज द सीक्रेट। अदरवाइज वो बाहर हम चाट रहे हैं हनी बॉटल को, अंदर नहीं, अनी नहीं टेस्ट कर रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए देखिए आप भागवतम में जो वर्णन है, अभी हम भागवतम शुरू कर रहे हैं इसलिए मैं भागवतम से ले रहा हूँ। भागवतम में सबसे सर्वोत्तम उदाहरण दिया है छठे स्कंद में, अजामिल, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना नीच दुराचारी व्यक्ति था, और ऐसा गलत काम करता था, डकैती, वैश्य संघ, सब गलत काम करता था, फिर भी उसने एक असहाय रूप में अपने पुत्र को पुकारा नारायण, तो उसको भगवान ने कृपा दी। तो सोचिए कोई अगर प्यार से भगवान का नाम पुकारेगा तो उसे क्या नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये भी आप मेरे पीछे दोहराइए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिवि। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस लोक के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है, एतवान एव लोकेस्मिन पुंसाम, मनुष्यों के लिए धर्म परह सबसे परम धर्म क्या है, भक्ति योगो भगवती, भक्ति योग, और भक्ति योग में भी कौन सा कार्य, भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिवि। भक्ति योग में भी जब हम भगवान का नाम लेते हैं इस भाव से कि मेरे कृष्ण के लिए मैं ले रहा हूं, देन इमीडिएटली कृष्णा नो लॉन्गर बिकम्स चंद्रमा, कृष्णा बिकम्स योर ओन पर्सन फॉर हुम यू लव, एंड देन द होल रिलेशनशिप गोज टू द नेक्स्ट लेवल। इसीलिए जब वो ये जो ये श्लोक बोलते समय यमराज एक्सटेसी में चले जाते हैं, जब यमराज के पास आते हैं यमदूत, अरे हमको हरा दिया विष्णु दूतों ने आके, अरे हम अजामिल को लेके आ रहे थे, पूरा वो क्वालिफाइड था फॉर हेल, और विष्णु दूत ने आके बोला दे ड्रोव अस अवे। तो यमराज सेड, एक बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए, मेरे पास, यमराज बोल रहे हैं यमदूतों को, मेरे पास केवल उन लोगों को लेके आना जो कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिए, जीवान भक्ति भगवत गुणनाम देहम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति तद् शिर एकदापि तान आनयद्वमसतो
कृत विष्णु कृत्यान तान आन, उनको लेके आओ मेरे पास, तान आन यद्वम, किसको लेके आओ, जीवान वक्ति भगवत कुणनाम देहम, भगवान का नाम जिसके जीवा में एक बार भी नहीं आया उसको मेरे पास लेके आओ। ऐसा तो कोई नहीं इधर, लोग तो हंसी मजाक में भी हरे कृष्णा बोलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सांकेत्यम पारिहासम स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रणनम अशेषागारम विदु। अरे इनडायरेक्टली भी किसी ने हंसते हंसते बोल दिया, अरे हरे कृष्णा वाले जा रहे, हरे कृष्णा दम मारो दम, हरे कृष्णा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। सोचिए, सांकेत्यम संकेत कर रहा है, पारिहासम मजाक उड़ा रहा है, स्तोभम कुछ भी एक्सटेसी में ऐसा कैसे भी चैंट किया, उसको बेनिफिट मिलेगा। वैकुंठ नाम ग्रणनम, इधर तो क्या मतलब, कितने मर्सीफुल है यमराज, जीवान वक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, किसने अपनी चेतना को एक बार भी भगवान के चरण कमलों में नहीं डाला, उसे मेरे पास लेके आओ। कृष्णाय नो नमति तद शिर ए कदापि तानान, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आओ। दम श्री दम श्रा हतो म्लेच्छा हरामेति पुनः पुनः उक्त्वा मुक्तिमाप्नोति किं पुनः श्रद्धया गृणन। सोचिए क्या श्लोक है, एक म्लेच्छ व्यक्ति था जो शौच क्रिया के लिए खेत में गया, उस जमाने में वो स्वच्छ भारत अभियान शुरू नहीं किया था मोदी जी ने, तो लोग जाते थे बाहर शौच करते थे, तो टॉयलेट के लिए बाहर गया, तो उधर एक वाइल्ड बोर आया, वाइल्ड बोर ने उसको अटैक किया, वो मर रहा था, उसने जोर से मारा उसको, तो मरते हुए उसके मुंह से गाली निकला, हराम दमश्री धमश्रा हतो म्लेच्छा, उस म्लेच्छ को मार रहा था वो बोर सुअर वाइल्ड पिग, तो उसके मुंह से क्या निकला बार बार, हराम दमश्री धमश्रा हतो म्लेच्छा हरामेति पुनः 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 हराम हराम हराम। उक्त्वा मुक्तिमाप्नोति, उसे भी मुक्ति मिल गया, हराम किम पुनः श्रद्धया गृणन। तो सोचो अगर आप श्रद्धा से नाम लोगे सो क्या मिलेगा। तो देयरफॉर यमराज बोल रहे हैं ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आओ। और सुखदेव गोस्वामी जो पास्ट टाइम जब एंड होता है ना, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं पता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, म्रियमानो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपगा धामा किम पुनः श्रद्धया गृणन। अरे वो तो अजामिल मरते समय अपने पुत्र का नाम ले रहा था, म्रियमानो हरे गृणन पुत्रोपचारितम, और उसे भी भगवान का आश्रय मिल गया। तो ये सब उदाहरण शास्त्र में इसलिए दिया है क्योंकि हम सब इंटेलिजेंट हैं इधर, यू शुड अंडरस्टैंड, बुद्धिमान को समझदार को समझ, यू नो इशारा काफी है, अरे ऐसा है, दिस इज नॉट टू मेक अस रिलैक्स, बिकॉज अजामिल वैकुंठ ऐसे नहीं चले गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विदाउट दिस विष्णुदूत आए यमदूतों को भगा दिया और अजामिल को लेके गए, अजामिल की जान बचाई, फिर अजामिल गए हरिद्वार, अच्छे से माला किया, 16 राउंड रोज किया, फिर 128 भी किया निर्जल को, सब मेहनत किया, घिस घिस के पूरा लाइफ सॉलिड भक्ति किया, नहीं तो क्या है, अरे अच्छा है फिर एक बार हरिनाम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अजामिल आफ्टर यू वॉज सेव्ड बाय विष्णु दूतास, उनका जो लाइफ है जो हमारे आनंदमान प्रभु सिखा रहे हैं, वो अजामिल आफ्टर बींग सेव्ड बाय विष्णु दूतास, हार्डवर्क उससे उसके, हाउ विल वी शो आवर सिंसियरिटी टू कृष्ण, उसके जो पहले है वो एडवर्टाइजमेंट है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कम कम जस्ट वंस यू चैंट, वंस 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 प्यार से, अभी एक बार चैंट किया मजा आ गया टेस्ट आ गया, देन वी हैव टू हैव अ डिसिप्लिन। सो देयरफॉर भागवतम जो एंड होता है ना, भागवतम के एंड में आता है, प्लीज आप सब बुद्धिमान लोग ऐसा करके, अभी भागवतम शुरू नहीं किया हमने, भागवतम का एंड पहले ही बोल रहे हैं, कलिम सभा जयंतार्य, कली में आपको, कलियुग में अगर आपको भजन करना है आर्य, इफ यू आर सिविलाइज पर्सन वॉट यू विल डू, कलिम सभा जयंतार्य गुणज्ञ सार भागिना, अगर आप गुणवान व्यक्ति हैं सार भागिना, आप सारे शास्त्रों के मर्म को सार को जानते हैं तो क्या करोगे। कैन रिपीट, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, कलिम सभा जयंतार्य
गुणज्ञ सारभागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते यत्र संकीर्तनेनैव। अगर आप संकीर्तन में भाग लेंगे सर्वस्वार्थ सब कुछ मिल जाएगा, डोंट टेक टेंशन। दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ पीस, दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ कृष्णा। सो टू एम्फसाइज, देखिए आज का हमारा जो कृष्ण को रिमेंबर करने के लिए हमारा थ्री स्टेप जर्नी है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंस, फ्रॉम मैटर टू स्पिरिट। एंड फॉर दैट वी कैन डू सम थिंग्स लाइक बींग साइलेंट, ऑब्जर्विंग, बींग प्रेजेंट एंड आस्किंग क्वेश्चन टू आवर सेल्फ, हू एम आई, गोइंग बियॉन्ड टेम्पररी फाइट्स, क्वारल्स, कॉबल्स। दैट इज वन वे, गोइंग डीपर। देन सेकेंड स्टेप इज फ्रॉम परमानेंट टू कृष्णा, फ्रॉम स्पिरिट टू सुप्रीम स्पिरिट। फॉर दैट वॉट डू वी नीड टू डू? हियर कृष्ण कथा, रीड अबाउट कृष्णा, एंड देन फ्रॉम कृष्णा टू होली नेम्स। एंड फॉर दैट वॉट डू वी डू? वी चैंट द होली नेम्स। एंड देन वेन वी डू दैट देन विश्वम पूर्ण सुखाए थे। माधवेंद्रपुरी ने अपने भजन में लिखा है, प्रबोधानंद सरस्वती ने, कि ये जगत में हम रह पाएंगे, नहीं तो ये वर्ल्ड है पागल बनाने का है। दिस इज अ प्लेस वेर द मोस्ट सोबर पीपल गो क्रेजी, and this holy name can give that everything, sarva swartho bhi labhyate. So therefore let us take it very seriously, with utmost sincerity chant the holy names to remember Krishna. Otherwise we cannot remember Krishna, because in my whatever little travels I do, I see devotees with such sincerity, and then I see their life, I realize it is because of chanting. Not mechanical chanting. Chanting is mood meki. This is for my Krishna. Ye mere Krishna ke liye. That absorption, that willingness, that connection to Krishna is needed. So therefore, it is important that we take a stock of our heart's condition. Hame kya hai? Hum log head aur hand, hamara bhakti pura head aur hand mein chal raha hai. Isliye itne saal bhakti karne ke baad bhi hum log dukhi rehte hain. Aur achhe achhe bhakton ke jeevan mein ek vacuum hai. एक खोखलापन, एक बेरस जीवन, क्योंकि कृष्ण हमारे लिए हेड थियरी हो गया है। नो, बट कृष्ण इज अ पर्सन हु वांट्स अस टू लव हिम, ही वांट्स अस टू टेल हिम, कृष्णा यू आर माइन, कृष्णा आई एम योर्स। बट इट कैनॉट बी डन आर्टिफिशियली, देयरफॉर आई सेड वी हैव टू मूव फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट, वी हैव टू सी हाउ एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, देन हियर अबाउट कृष्णा and then chant in that mood. And when we do that, then we will see our life is becoming supremely auspicious, and our life can take us, our chanting and hearing and our bhakti every day can be like, just imagine you are in love, jo movies mein dikhate hai na, flowers are blooming, there is freshness, there is all the songs and all the running around the trees. Imagine that is there every day. Generally no love relationship in this world, usse graph hamesha niche aata hai, but Krishna ke sath jo loving relationship hai, that goes up. Otherwise logically aap kaise samjha sakte ho ki hamare devotee jaise jaise boodhe ho rahe hain, unka bhakti badh raha hai, unka chanting badh raha hai, ye kritrim nahi hai. How can they chant more? How can they hear more? और अचक ऐसे नहीं कि नया नया चैंटिंग कर रहे हैं, वही हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, कृष्ण का वही स्टोरी सुन रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि देर इज अ रिलेशनशिप विद कृष्ण। सो देर फोर लेट अस एड दिस एंड एक्सपीरियंस, अदरवाइज अवर लाइफ विल बी पेनफुल। सी दोज हु आर कनेक्टेड विद कृष्णा, दे आर रिच, दे आर वेरी वेल्दी, और वो दुनिया में किधर भी जाएंगे ना, इधर भी घूमेंगे, वो स्टाइल खुशी से रहेंगे। जैसे मुझे एक दोस्त मिला एक ट्रैवलिंग में, ऐसे वो पार्क में जाता था, मैं भी अपना साइकिल लेके जाता था उधर, तो वो इंडिया बहुत आता है, तो मैंने कहा बट इंडिया आप इतना कंफर्टेबल हो इधर यूरोपियन कंट्री में, इतना नेचर, और इंडिया में आता है वो ITC में रहता है, तो उसने कहा मैं तो 5-star होटल में रहता हूँ इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं। तो वेर एवर ही गोज इन, ही हैज गॉट अ वेरी बिग बिजनेस, तो वो किधर भी रहते, बोलते किधर भी जाता हूँ मैं 7-star होटल 5-star होटल में रहता हूँ।
तो मैंने कहा ये तो डेवोटी का लाइफ है, वो किधर भी जाता है कृष्ण के साथ रहता है, ही हैज गॉट द बिगेस्ट. तो ही अगर वो सोमालिया गया, जैसे हमारे बलदेव प्रभु हर साल पिछले 10 साल से अफ्रीका जाते हैं, तो ऐसे ऐसे देश का नाम, और ऐसा अफ्रीका के ऊपर वो जब स्टोरीज बोलते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम लोग. तो एक पर्टिकुलर देश जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे 80% लोग एड्स से मरते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं वो प्रचार के लिए. ब्लिसफुल है वो. मैं देखता हूँ बलदेव प्रभु को, मैं बोलता हूँ प्रभु तुम तो करोड़पति है, तुम जिधर भी जाएगा कृष्ण के साथ रह रहा है, ब्लिसफुल है. और अमेरिका भी जाके आया लास्ट महीना. अमेरिका कहाँ और वो देश कहाँ. तो जो डेवोटी है ही इज लाइक दैट रिच मैन हु गोज टू अ 5-star होटल एंड स्टे. दिस इज बलदेव प्रभु, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. वी ज्वाइन द आश्रम टुगेदर एंड ही इज ऑलवेज डूइंग लॉट ऑफ सर्विस बट ही रिमेंबर्स कृष्ण. उसके माता पिता भी डेवोटी. एनीवे सो अ डेवोटी हैज टू बिकम वेल्दी. हमें अमीर बनना है और पैसा कमाना है, रिकॉर्ड किया जा रहा है. वी वॉन्ट टू बिकम वेल्दी बट वी वॉन्ट टू बिकम वेल्दी विद रिमेंबरेंस ऑफ कृष्ण. देन वी हैव रिमेंबरेंस ऑफ कृष्ण, देन वी कैन गो एनी वेयर एंड विल बी हैप्पी. एंड इफ यू डोंट हैव दिस वेल्थ, इवन इफ यू गो टू द बेस्ट प्लेसेस यू विल बी मिजरेबल. यू विल गो टू अ प्लेस वेयर देयर ऑल डिवोटीज ओनली, सब डिवोटीज हैं, सब कुछ कंड्यूसिव है भक्ति के लिए, फिर भी मिजरेबल रहेंगे क्योंकि है ही नहीं कुछ, पैसा ही नहीं है. वो पैसा तो लगता है ना दुनिया में रहने के लिए. एवरीबडी यू कैन, कुछ भी फ्री में नहीं आता ना इस वर्ल्ड में. तो सिमिलरली इन स्पिरिचुअल रियल्म यू नीड वेल्थ एंड दैट इज रिमेंबरेंस ऑफ कृष्णा. सो वन हु इज ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्णा वेर एवर ही गोज ही विल बी हैप्पी. एंड वन हु डजंट रिमेंबर कृष्णा, वॉट एवर एसोसिएशन यू गिव विल नॉट बी हैप्पी. सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी लर्न फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ भगवद्गीता. Man Mana, this verse which we chanted today, 18.65, we can chant that again. It's a beautiful verse, 18.65 and 66, and then we'll take questions. 65 and 66, can you put from? Okay, please repeat after me, can you? Okay, even if it's not on the screen, you can repeat. Man Mana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. रीड द ट्रांसलेशन अगेन. ओ ट्रांसलेशन आ सकता है, नहीं छोड़ो छोड़ो, आई विल रीड द ट्रांसलेशन. ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अन टू मी. Then you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. और ये एक ही श्लोक है गीता में जो दो बार आता है, 9th chapter में भी आता है और अभी भी आता है. मतलब दो बार भगवान बोल रहे हैं अरे मुझसे प्यार करो. He is asking us, he is wanting us to love him. फिर next verse 18.66. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. मा शुचः. शुचः मतलब हमेशा डर, डर. हम लोग हमेशा डर में रहते हैं. इनसिक्योरिटी, फियर नंबर वन. एवरी वन इज इन फियर. द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो फियरफुल. मालूम है आपको, जो 200 साल पहले जो रहीज लोग जैसे रहते थे, जो उनके पास सुख सुविधाएं और लग्जरीज थी, वो आज एक मिडिल क्लास आदमी के पास है वो सब फैसिलिटी. फिर भी अनहैप्पीनेस इज देयर. 100 साल पहले फैन लग्जरी था, आजकल सबके छत के ऊपर फैन है, फिर भी देयर मिजरेबल. सो विदाउट रिमेंबरेंस ऑफ कृष्णा our life will be incomplete and painful. So Krishna is inviting us to become wealthy by adding the deposits of conscious remembrance of Krishna by 3 steps, by first moving from matter to spirit, from impermanence to permanence, temporariness to permanence, and second, from permanence or from spirit we move to supreme spirit, which is Krishna, and then we understand that we actually receive Krishna through holy names.
From Krishna, we connect to Krishna. Actually, Krishna's holy names are more merciful than even Krishna. Because Krishna's holy names help us connect to Krishna most effectively. So therefore, we'll chant Hare Krishna with great joy and gratitude and make our life perfect as we enter now the next phase of our satsang program here, where we will start with the Srimad Bhagavatam. ये भगवद गीता हमने चार बार कंप्लीट किया है 2004 से 2019 तक. इसमें 700 श्लोक हैं. श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं और पहला जो श्लोक है उसके ऊपर ही हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं. भक्ति विदान सत्य ठाकुर ने ढाका में 1930s में एक लेक्चर दिया था. 3 महीना सुबह और शाम 3-3 घंटा क्लास दिया फर्स्ट वर्ष के ऊपर ही. वो फर्स्ट वर्ष से आगे जा ही नहीं पाए. तो इतना भागवतम में है डिस्कस करने के लिए. और वो हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम से करेंगे. नेक्स्ट वीक आई एम नॉट देयर, आई एम आउट ऑफ मुंबई. एंड द वीक आफ्टर दैट मैं 2 दिन का सेमिनार कर रहा हूँ कॉल्ड माइंड योर माइंड पार्ट 2. वो इस्कॉन मंदिर चौपाटी में कर रहा हूँ. और उसके बाद वाला वीक July 6 आई कैन डू. एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी रेगुलरली कमिंग. एंड ऑल्सो जिसको आर्टिकल्स चाहिए, मैं रोज़ सुबह आर्टिकल्स लिखता हूँ और 2-3 दिन में बेचता हूँ और कुछ लोगों को एवरीडे बेचता हूँ. तो अगर आपको आर्टिकल्स चाहिए एवरी डे विच आई राइट, और कुछ लोगों को ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है. बट दोज हु आर इंटरेस्टेड, और ये आर्टिकल्स आर सेक्युलर लैंग्वेज में, दे आर रिटन इन विद फॉर दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ एंड शेयर दिस नॉलेज विद न्यू पीपल ऑन इमोशनल हाइजीन, रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा. सो यू कैन गिव मी योर नेम एंड नंबर एंड आई विल बी स्टार्टिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर 2-3 वीक्स. फिर उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा और आपको भी आर्टिकल्स मिलेगा. हरे कृष्ण. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स रिगार्डिंग टुडेज क्लास दैट वी डिस्कस्ड? वी हैव 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स. सो आई हैव अ क्वेश्चन, बोथ आर इंटर रिलेटेड एनीवेज. सो आपने पहले कहा कि इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स स्पिरिट देन वी हैव टू फोकस ऑन द परमानेंट रादर देन द टेम्पररी. And then once you achieve the stage of a spirit, then you have to go to the Supreme Spirit and then to the holy names. So my question is, Prabhu, ki agar hum log temporary cheez mein hi atke hain and permanent ke baare mein soch rahe hain, to first of all, how will you live your life? And agar hum dekhe, to aapne jo bahut sare shlok kahe, bahut hi achhe shloks from Bhagavad Gita, उसको सुनने के बाद भगवान ने अर्जुन को वापस से टेम्पररी चीज़ में ही लगा दिया, रादर देन थिंकिंग के चलो अभी तुम कुछ बियॉन्ड जाओ. उसके बजाय अर्जुन वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन द लाइक यू नो मटेरियल अफेयर्स ऑफ किंगडम एंड एवरीथिंग एल्स. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट इफ आई हैव टू गो फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट देन डू आई हैव टू लीव द टेम्पररी एंड हाउ डू आई गो टू द परमानेंट? दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकेंड थिंग इज इफ आई हैव नॉट कम टू द लेवल ऑफ स्पिरिट, how would I even access the supreme, which is the most merciful holy names, and how it will affect me if at all I am not there? First question is connecting to Krishna and holy names, kya iska ye matlab hai ki hum apne bhautik zimmedariyon ko chhod de? Something like that, like you know how I, if temporary से ऊपर उठना है, मतलब ये सब छोड़ दो, पूरा दिन हमारा पूरी जिंदगी temporary चीजों में जा रहा है और आप बोल रहे हो कृष्ण से कनेक्ट हो जाओ, how can we do that? Right? First question. Second question is that हम लोग spirit पे ऊपर गए नहीं, मतलब we are still on the material thing. हम पूरा matter में ही है और अब अभी हम holy names की बात कर रहे हैं. ये दो questions तो मेरा favorite question. Thank you. So I'll try to accommodate both questions in my brief answer. सी हमारा क्या हो गया ना, हम लोग एक्सट्रीम में रहते हैं जनरली. एक एक्सट्रीम हमारा रहता है कि एक पूरा मैटर में रहते हैं, मेरा घर, मेरा प्रॉब्लम, मेरे बच्चे, इसी में उलझे रहते हैं. और इतने उलझे रहते हैं कि हमें इसके ऊपर कुछ दिखता ही नहीं. और दूसरा एक्सट्रीम है, केवल कृष्ण की बात करते हैं, केवल शुद्ध हरिनाम, एंड वी डोंट टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटी. तो जो भगवद गीता, जैसे आपने अच्छा एग्जांपल दिया, कृष्णा मेड अर्जुना फाइट ओनली नो. तो ये जो सेशन अभी चल रहा है, दिस इज टू इंक्रीज
जो हम हमारा जो पूरा मैटर में हमारा इधर ही अटका हुआ है ना, उसको ऊपर उठाने के लिए, ऊपर भी देखो, सी द वर्ल्ड बियॉन्ड योर टाइनी हेड. और कोई ऊपर ही घूमता रहता है ना, फिर उसको हम नीचे आना जानते हैं. फिर वो सेशंस होता है जिनको थोड़ा, सो बोथ आर नीडेड. बिकॉज द प्रॉब्लम इज प्रभु, व्हेन वी आर ओनली एब्जॉर्ब्ड इन मैटर, लाइक अर्जुना वॉज सो अफेक्टेड बाय फैमिली रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट. बट वेन यू सॉ, वेन यू गॉट अ हायर विजन, देन यू कुड डू हिज ड्यूटीज प्रॉपरली इन अ डिटैच्ड वे. क्योंकि हम भी, हम सबको जो प्रॉब्लम हो रहा है हमारे जो, आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपके कर्तव्य में, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अटैच्ड हैं, बहुत अटैच्ड. बट वेन वी गेट अ बिगर पिक्चर ना, तो फिर क्या होता है, वही चीज हम डिटैच्ड वे में कर सकते हैं. जैसे आपने पहले देखा होगा, हमारे पूर्वजों में मैंने देखा है, मेरे अंकल, दादाजी, नाना जी, उनके अंदर एक 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 पीस था, एक इक्वानिमिटी था. मतलब वो पूरा कर्तव्य करते थे, पर एक डिटैचमेंट भी था, एक इनबॉर्न डिटैचमेंट था, बिकॉज ऑफ द संस्कार, बिकॉज ऑफ द कल्चर. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लाइक डिटैचमेंट मतलब उनको मालूम था कि अभी जैसे मैंने देखा है मेरे दादाजी, अंकल्स, नाना जी को देखा है, शादी के समय भी वैसे ही इक्विपॉइज फैमिली में शादी रहेगा, उस समय भी वो वैसे ही रहेंगे जैसे मातम कोई मना रहा है, कोई मर गया घर पे तो भी दे आर नॉट गोइंग टू क्राई एंड बीट देयर चेस्ट, दे विल बी इक्विपॉइज. सो कृष्णा गीता इज टीचिंग अस दैट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज टेम्पररी, मेडिटेट ऑन दिस एंड देन व्हेन यू डू योर ड्यूटी एंड व्हेन यू सी थिंग्स विल 100% गो टॉपसी टर्वी, यू नो, अपने हिसाब से तो होगा नहीं. एक छोटा सा चीज़, अभी गोविंद प्रभु उस दिन योगा कर रहे थे, थोड़ा सा पैर ऐसा किया, नी में कुछ तो हो गया, तीन बड़ा बड़ा वो हो गया, मिनिस्टर स्टेयर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी सर्जरी, 6 हफ्ता हिलने का नहीं. ऐसा नहीं कि वो कुछ स्टंट मार रहे थे ऊपर से नीचे, नथिंग ही वॉज डूइंग. मतलब हम कैसे जीवन जगत में रह रहे हैं ये क्या है? अगर हम इधर ही अटके हुए हैं, इसी इन विषयों में अटके हुए, देन वी आर फूल्स. इसलिए भगवदगीता टेल, ऊपर देखो, ऊपर देखो, लुक एट द स्टार्स, लुक एट द वर्ल्ड बियॉन्ड दिस. सो वेलकमिंग अस, सो दैट मच कॉमन सेंस इज नीडेड, दैट मच अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड कि हाँ यार ये सब टेम्पररी. बट जो उधर एक्सट्रीम में जा रहा है, फिर उसको पकड़ के यू हैज टू अंडरस्टैंड दैट यू कैनॉट आर्टिफिशियली, यू कैंट गो बैक टू कृष्णा विदाउट, यू कैंट डू इट इन डिनायल, वी कैंट डू इट इन एस्केप, एस्केप नहीं कर सकते. तो रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, व्हाइल वी आर इन दिस, व्हेन वी आर एंगेज इन दिस वर्ल्ड, व्हेन वी आर एंगेज इन दिस वर्ल्ड वी हियर ऑल दिस, ये जब सुनते तो क्या आता है, ऑटोमेटिकली एक डिटैचमेंट आता है. ठीक है यार, ये ऐसा होता है. इन दैट प्रभु, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट लाइक यू नो, व्हेन वी से ऊपर देखो एंड लाइक यू नो द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एंड देन आई हैव सीन लाइक यू नो वी कंप्लीटली गो इन दैट पर्टिकुलर थिंग, इट्स नॉट दैट एक्सट्रीम बट स्टिल वी फील के ठीक है, बट रादर अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट कृष्णा ऑल्सो सेज दैट सी मी एवरीवेयर, राइट, यू डोंट हैव टू लुक अप बट लाइक यू नो सी इन दिस सिचुएशन ऑल्सो यू कैन एक्सपीरियंस मी. सो आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड, isn't it be more realistic than like you know thinking okay aadhyatmik jagat mein koi envy nahi rahega, everything is like you know nice and fantastic, rather I would see the in chaos if I see krishna, that would be much better than like you know thinking somewhere kuch to acha rahega, then it like you know we are not escaping from that and like you know being grounded and see krishna in that. Actually philosophy jo field hai na, philosophy mein do field, do branch hai. गॉड, गॉड दो, थियोलॉजी में दो ब्रांच है, एक है गॉड एज ट्रांसेंडेंट एंड गॉड एज इमानेंट. एक स्कूल बोलता है गॉड इज ट्रांसेंडेंट, मतलब गॉड इज दुनिया के ऊपर है, उधर ही देखो. दूसरा स्कूल है गॉड इज इमानेंट, गॉड को इधर ही देखो, मटेरियल वर्ल्ड. एक बोलता है गॉड को उधर देखो, दूसरा बोलता है गॉड को इधर ही देखो. तो जो पहला स्कूल है गॉड इज ट्रांसेंडेंट, गॉड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बस वो जो स्कूल में जो ऑब्सेस्ड हो जाता है ना, उसके लिए ये दुनिया 90% ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इज इररिलेवेंट, क्योंकि भगवान के पास कनेक्शन ही नहीं है उसके लिए. और जो गॉड इज इमानेंट बोलता है ना, गॉड को इसी में देखो, उसको प्रॉब्लम क्या होता है, वो मिजरेबल रहता है क्योंकि ही गेट्स अटैच्ड ओनली हियर. वो गॉड को इसी में देखता है, इसी में देखता है, तो क्या होता है फाइनली, वो अपने माइंड में रहता है, मनोरथेना सतीदावत, उसको सब कुछ गॉड दिखता है, उसको अपना बियर में भी गॉड दिखता है. हाँ, मेरे को बोला एक जर्मन ने उधर म्यूनिक में, बस में हम लोग साथ में जा रहे थे, आई सी गॉड इन माई वाइन, यू नो, रेड वाइन, व्हाइट वाइन, सब अब ग्लोरीफाई कर रहा था. मैं बोला ग्रेट, तो उसको फिर हर चीज़ में गॉड दिखेगा.
यू नो देयर आर फिलोसोफर्स हू से संभोग से समाधि, सेक्स करो सेक्स में गॉड दिखेगा, ऐसा सब कुछ भी बोलता रहेगा कोई. तो एक प्रॉब्लम वो होता है, हर चीज़ में जब गॉड देखने लगते हैं ना तो फिर उसमें मन आपको किधर लेके जाएगा उसका भरोसा नहीं. तो इसके लिए थोड़ा बैलेंस करने का, इधर भी गॉड इज इमिनेंट. वो गीता में वर्स है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मही पश्यति, सब मुझे सब में देखो. तो भगवान आपको इन्वाइट कर रहे हैं. और ये वेदांत है, वेदांत में सिखाया है कृष्ण ने कि सब देखो. 10th chapter तो पूरा वही है. कृष्ण बोलते हैं ऑफ ऑल द एनिमल्स आई एम द हॉर्स मोस्ट ब्यूटिफुल, पूरा माउंटेन्स देखोगे तो आई एम हिमालयस. तो इस जगत में आप मुझे देखो. तो कृष्णा आ जाते तो अलग बोलते थे, यू हैव सेड ऑफ ऑल द फोन्स आई एम आईफोन, ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स आई एम धोनी, और ऑफ ऑल बिजनेसमैन आई एम अंबानी, ऐसा कुछ. तो सो कृष्णा इज सेइंग, सो जो एग्जिस्ट एलिमेंट है इस जगत में उसमें मुझे देखो. 7th chapter और 10th chapter वही है. पर गॉड इज इमिनेंट, ठीक है गॉड को इसमें देखो, पर साथ साथ में जो हमारा जो दृष्टि है ना प्रभु, बहुत संकुचित है. हम नीचे देखते रहते, नीचे कुआं जो है ना मेंढक में रहता है, अपना मेंढक कुएं में रहता है. तो मेंढक के अंदर भी कुआं ही रहता है, ही डजंट थिंक बियॉन्ड. तो ओशन से कुआं आता है, बोलते हैं मेरा जो ओशन है ना बहुत बड़ा है. तो मेंढक कुएं का मेंढक बोलता है, अरे वो मेरे कुएं से 10 गुना बड़ा होगा, 100 गुना बड़ा होगा. वो मेंढक को आइडिया ही नहीं है कि सागर कितना बड़ा हो सकता. तो हम अपने प्रभु, कभी कभी लोग ना अपने प्रॉब्लम्स में, अरे आप प्रीचिंग जब जाते हो मैं देखता हूँ ना लोग जो जिस तरह से जो बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि इनके अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ. इतने सेल्फिश हो जाते हैं प्रभु हम लोग जब हम भगवान को हर चीज़ में देखने की बात करते हैं. अगर आप गाइडेंस नहीं है, वी बिकम वेरी सेल्फिश एंड माई प्रॉब्लम्स, माई लाइफ इज ओनली फॉर माई सेल्फ. वेन वी सी गॉड बियॉन्ड माई सेल्फ देन वी एक्चुअली बिकम कंपैशनेट. तो अगर कोई इस दुनिया में भी देख रहा है बट इज सीइंग बियॉन्ड हिमसेल्फ, वी एनकरेज. मैं तो बैलेंस वर्क करना बहुत जरूरी है ब्रो. थैंक यू ब्रो. आई एम हैप्पी यू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज टुडे, बिकॉज आई वॉज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड एज अ प्रीचर आई थॉट वी शुड हैव अ मूड ऑफ सीइंग अप बिकॉज वी आर सीइंग डाउन. वेरी नाइसली सेड द बैलेंस, लाइक यू नो यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दैट थॉट ऑफ स्कूल एंड दिस ऑल्सो, इट हैज टू बी लाइक यू नो बोथ. थैंक यू. We have to connect to both realities because that is a reality, Prabhu. Abhi kuch log na apne family ke problems mein itne, see agar wo families mein involved hain but they are also detached, then it is okay because that is responsibility. Par log itne involve ho jate hain ki then they suffer because of that, endlessly they suffer. Aap dekho na chote chote cheezon ke liye jo way they emotionally express, pehle aisa loud civilization was not loud, nowadays it is very loud and vocal. न्यूज, सिंपल न्यूज, हमारे जमाने जब छोटे थे तो ऐसा 8:40 को न्यूज आता था तो दो माताएं आती थी या दो, एक प्रभु जी एक माता जी, ऐसे देखते थे, नमस्कार आज का न्यूज. तो वो थोड़ा सा पढ़ते थे 10 मिनट का न्यूज, वो पूरा दिन हम लोग वेट करते थे अभी न्यूज आएगा. और वो भी कैसा, कभी कभी बीच में वो लोग कन्फ्यूज होते थे, एक दूसरे को देखते थे, उसका आपका टर्न है मेरा टर्न. फिर कभी कभी न्यूज ज्यादा कुछ रहता नहीं था, आज का बस इतना ही न्यूज. आजकल एवरी हाफ एन आवर ब्रेकिंग न्यूज एयरपोर्ट में मैं देखता हूँ. सी वो इलेक्ट्रॉनिक ऐसा रहता है कि इमेजेस यू कांट अवॉइड इट, वो खींचता है आपको, ब्रेकिंग न्यूज, जस्ट ब्रेकिंग, वहां पर. मैं 1984 का इलेक्शन देखा है, लाइव कवरेज, सो स्मूथ पीसफुल. अभी तो ऐसा भयंकर, बाप रे, ना नेशन वॉन्ट्स टू नो. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लाउडनेस ना, एंड विल शाउट ऑल्सो, वो देख के कंपन होता है, मतलब क्या चल रहा है. तो एक जो सोबरिटी चला गया, एक सोबरिटी था पहले, यू नो. जैसे मैं किसी घर पे गया, वो प्रभु जी के भाई लोग डेवोटी नहीं है, मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स, तो वो अपने रूम में लेके गया मुझे. तो हॉल से रूम में जाते समय हॉल में टीवी चल रहा था, तो घर वाले कोई उसका भाई देख रहा था, MTV या कुछ तो था, म्यूजिक वाला चैनल था. 5 सेकेंड मैंने देखा होगा जाते जाते हॉल से उसके रूम तक, वो 5 सेकंड में इतने इमेजेस आए स्क्रीन में, एक ऑक्टोपस आया, लाल रंग, येलो, ऑल कलर्स इमेजिन. आई सेड व्हाट अ अटैक इट वाज, मतलब एक सूदिंग नहीं था वो, बिकॉज हमारा सेंसर इतना डल हो गया ना कि हमको एजिटेट करने के लिए ये सब लगता है. अभी आज अच्छा न्यूज भी कैसा, आज इस गली में कुत्ता मर गया, यू नो, ridiculous, this is loud and shouting. So lectures also have to be like that, we have to entertain people.
धूम 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 धमाके वाला हो गया सिविलाइजेशन. तो पहले कैसा था ना, पहले ऐसे शांत, पीपल वर लाइक क्वाइट, मैरिज हो डेथ हो, दे कैरीड देमसेल्व्स विद सोबरिटी. नाउ देर इज अ डॉग्स मैरिज सेलिब्रेटेड एंड यू नो एक्सप्रेशन ऑफ हाय हाय, दे हग, दे लव, हा हू हू, यू नो. सो आई हैव नॉट सीन अवर एल्डर्स एक्सप्रेस लव सो मच, बट दे हैड लव. I never seen my, I'm sure you also never saw your parents. I never seen my parents express affection for each other. I mean, they never exchanged, they definitely had affection. They definitely had intimacy. Otherwise, we would not have been born. Three sons, rogues. We three, I'm three, nalayak, paida hua, matlab unka intimacy tha. But I never saw them intimate. A culture tha. And then I never saw my father, you know, express affection. But he would get up in the morning, he would do his things. तो एक सोबरिटी था प्रभु. आजकल ये चीज़ों को हम वैल्यू नहीं करते. हमको हमेशा इलेक्ट्रॉन एंटरटेनमेंट एक्सटर्नल चाहिए. एक्सटर्नल इंटरनल सी, देयर इज समथिंग विद इन यू, यू दैट कैन एंटरटेन यू. लाइक आई ग्रू अप इन अ विलेज, फर्स्ट 10 ईयर्स मैं गांव में बड़ा हुआ, फिर बॉम्बे आया. तो गांव में हम लोग कुएं से पानी लेते थे. मैं नाना जी के साथ रहा. एवरी डे मॉर्निंग 3 o'clock यू वुड गेट अप, क्लीन द होल हाउस, कूलली झाड़ू मारते थे खुद. नानी थोड़ा लेट उठती थी, आफ्टर 1 आवर लेटर माई ग्रैंड फादर उठती, देन शी वुड मेक द वॉटर हॉट स्नान का, फिर माई ग्रैंड फादर वुड डू ऑल द वर्क. शाम को वो मटके में जाके हर पूरे हर पेड़ में पानी डालना, पूरा टाइम ही टाइम था उनके पास. शाम को बैठना, देर वॉज हैप्पीनेस इन बींग प्रेजेंट. नाउ वी आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, कंपल्सिव लिविंग हो गया है, कॉन्शियस लिविंग नहीं हो गया है. वी कुड सिट एंड जस्ट बी प्रेजेंट. आई हैव शेयर्ड सो मेनी मोमेंट्स ऑफ साइलेंस विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, just looking into the nothingness and vast space and nothing to talk. But now that is impossible to imagine. This is very artificial life. Mobile, Facebook. जैसे गांव में बहुत बाढ़ आ रही थी, वो बाढ़ में सब कुछ बह के जा रहा था. तो एक लड़के ने देखा, अरे कंबल भी बह के जा रहा है. तो भागा, बोला कंबल वेस्ट होगा, सब पैसा महंगा है. वो गया कंबल को पकड़, कंबल पकड़ा तो मालूम पड़ा, तो कंबल नहीं है, तो भालू है. और भालू ने उसको पकड़ लिया. और गांव नदी के तट पे लोग चिल्ला रहे, अरे वो लड़के को, मूर्ख लड़का है, अरे छोड़ो उस कंबल को छोड़ो. तो उसने कहा, कंबल को तो मैंने छोड़ दिया पर वो मुझे नहीं छोड़ रहा. तो आज हमारा जो स्थिति है ना, मोबाइल स्मार्टफोन ऐसे हो गया. जब तक समझ में आता है कि ये मुझे, अरे ये तो भालू है, मुझे छोड़ना है, पर वो आपको नहीं छोड़ेगा. सो वी हैव बिकम, हमारा कंपल्सिव लिविंग हो गया है. फोन फोन रहेगा आपके पास कितनी बार, आप ऑनेस्टली बोलो, एडिक्शन का ये साइन है. आपका फोन नहीं आया फिर भी आपने फोन उठाया, हुआ होता है ऐसा? देखते हैं मैसेज, अभी देखा था 2 मिनट पहले, क्यों देख रहे हैं आप? एडिक्टेड है, यू आर एडिक्टेड. कभी ऐसा हुआ है कभी आपको, आप बैठे हो और आपको लग रहा है कि फोन बज रहा है, फोन बजा नहीं लगता है, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड. तो ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हमको कंपल्सिवली, वी नीड समथिंग एक्सटर्नल टू मेक अस पीसफुल. तो भगवद्गीता एंड शास्त्र हियरिंग हेल्प्स अस गो डीपर एंड सीक दैट परमानेंस बियॉन्ड द टेम्पररी थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड सीक परमानेंस इन सिंपल, एंड दैट इज रिवील्ड इन सिंपल थिंग्स, शेयरिंग साइलेंस, टेकिंग प्रसाद, बीइंग माइंडफुल. यू डोंट नीड सो मेनी गैजेट्स, सो मेनी मूवीज. अभी आप देखो ना, फ्लाइट में ट्रैवल करोगे या ट्रेन में भी, लोकल ट्रेन में भी, मेरे को एक बार एक एपिफेनी हुआ था. एक 3 साल पहले मैं लोकल में आ रहा था, भक्ति शास्त्री के लिए आ रहा था. तो मैं अपना प्राणायाम ऐसा ट्रेन फर्स्ट क्लास का मैंने टिकट लिया, मैं बहुत थका हुआ था. तो ग्रैंड रोड से बोरीवली फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बैठ के आया, आंख बंद किया, थोड़ा मैं प्राणायाम किया, तो कोई नहीं था. आफ्टर 40 मिनट्स मैंने ओपन माई आईज, इट वॉज ऑल क्राउडेड. और मैंने देखा, शॉक, एवरीबडी वॉज ऑन देयर गैजेट, एवरीबडी, एंड नन ऑफ देम लुक पीसफुल. और पीछे एक भोरी मुस्लिम कपल था, एल्डरली, वो टोपी से मुझे समझा ऐसा, पति पत्नी 65 दोनों ऐसे बैठे हैं, फेस रेडिएटिंग एंड दे आर जस्ट सिटिंग लाइक दिस. मैंने उनको देखा, दे आर सो अट्रैक्टिव, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, दैट समटाइम्स वी थिंक आई नीड एक्सटर्नल टू बी पीसफुल. फ्लाइट में आप देखोगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एवरीबडी मूवी, मूवी देखना है, मूवी. अरे माला घुमाओ, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, आराम से रहो. वी नीड समथिंग एक्सटर्नल. सो दैट आई थिंक दैट इफ वी कैन ओवरकम,
So from our previous generation, we can learn that at least. They could be happy with small things. Human being थे वो लोग, हम लोग human doing हो गए. We need to do things. I have to do this. I have to do that. I have to do this. People can't imagine. If you tell them, nah, just relax. Relax has become a gali. Relax is a swear word. Relax मतलब कुछ तो करना है मुझे. Relax is a bad word. If I tell, अगर मैं बोलूँगा, प्रभु जी कल मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो यू विल अंडरस्टैंड. अगर मैं बोलूँगा नहीं प्रभु जी कल मेरा क्या है, मैं कल अपने आप बिताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्पेंड द डे विद माई सेल्फ, टुमारो आई एम गोइंग टू जस्ट रिलैक्स. हाँ रिलैक्स, अरे वी हैव टू बी सर्विंग. तो सर्विंग के नाम पे क्या हो जाता है, वी मिस बेसिक थिंग्स. सो आई एग्री विद यू दैट वी कांट गेट, वी कांट गो ऑन एक्सट्रीम, बट एट द सेम टाइम कंपल्सिव लिविंग से बाहर निकलना होगा. That's why when I said permanence, I meant something which is you. For that, you don't need anything of this world. YouTube has so many videos. There are more videos on YouTube than the stars in the sky. अगर YouTube ने अभी video upload करना इस second को बंद कर दिया, जब तक आप सब video नहीं देखते तब तक वो लोग video upload नहीं करेंगे. ऐसा अगर उन्होंने decision लिया और आपने 24 घंटा YouTube वीडियो देखना शुरू किया, तो आपको 60,000 साल लगेंगे सब वीडियो देखने के लिए. YouTube कैन टीच यू एनीथिंग, फ्रॉम हाउ टू ब्रश योर टीथ, टू हाउ टू मेक लव, टू हाउ टू गेट ओवर YouTube एडिक्शन, वो भी YouTube में मिलेगा. फिर भी लोग दुखी है क्योंकि वो देख देख के इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एंटरटेनमेंट इज एट अ सेंसुअल लेवल. सेंस के लेवल पे एंटरटेनमेंट है, सेंसेस एंड नॉलेज हेड के लेवल पे. हार्ट को टच ही नहीं किया हमने. हार्ट इज वैक्यूम तो रहेगा ही. सो लेट अस पिक अप द बीट बैग एंड कीप द स्मार्टफोन असाइड एंड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.